आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट की मंथली करंट अफेयर्स जो कि जून मंथ की है वो आ चुकी है, तो इसकी पहली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का टॉपिक कवर करूँगा GS1 पूरा का पूरा। ठीक है, नीचे तक जो आपको लास्ट टॉपिक दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये फर्स्ट है राजा प्रभा से लेकर नीचे लास्ट जील इंडिया तक, ये सारे के सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर्ड हैं। एक बेसिक इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले, देखो ये जो वीडियोज़ हैं ना, ये सारी की सारी वो है जो मैंने डेली बेसिस पे पढ़ाया था ना, उन्हीं सबको मैंने कट कर करके और उनको कंपाइल करके बिल्कुल सेम सीक्वेंस है, कोई भी टॉपिक बीच में मिस नहीं है, आप बिल्कुल चेक कर लेना। ठीक है, जो भी इंस्टा ये जो बीच में इंस्टा प्रिलिंक्स आते हैं ना कुछ नीचे चार पाँच क्वेश्चन, 95% टॉपिक्स में वो कवर्ड हैं, 5% टॉपिक्स में उन्होंने मिस कर दिए पिछले मंथ में। जुलाई मंथ में कोई मिस नहीं करने वाला, तो जुलाई मंथ की कंपाइलेशन में सारे यूज़ होंगे, बहुत ही कम मिस किए मैंने, हार्डली आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, कभी कभी जो टॉपिक चेंज हो रहा होगा ना, तो कुछ वर्ड्स मेरे आगे पीछे कट रहे होंगे, मैं बोलना कुछ चाह रहा हूँ ये तो GS2 का टॉपिक है, तो समझ जाना कि मैंने डेली वाले जो वीडियोज़ थी ना उसमें से कट कर करके लगाया, तो कुछ वीडियोज़ की एडिटिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कुछ सेकंड्स का वर्क, लेकिन टॉपिक सारे कवर्ड है, फुली कवर्ड है, कोई टॉपिक मिस नहीं होगा। ठीक है, और सीक्वेंस में सारे के सारे सारी GS 2, 3, 4 जितने भी सबकी वीडियोज ऐसी आएंगी, जिन लोगों ने डेली बेसिस का कर लिया था वो लोग इसको सिर्फ रिवीजन के तौर पे करें, या फिर आपको कोई डे मिस हो गया था तो आप बेशक इसको पूरा करना चाहें कर लें, जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया था वो तो इसको अच्छे से कर लें। ध्यान, मैं तो कहूँगा रिवीजन ज़रूर कर लेना, इसकी इनटू टू में प्ले करके स्पीड में, और रिवीजन अच्छे से कर लेना। इस बार साउंड की दिक्कत भी किसी को नहीं आएगी, पिछले मंथ वाली में साउंड के इशूज़ थे, इस बार में कोई इशूज़ नहीं आप लोगों को, एंड इसका फीडबैक देना ज़रा इस बार वाली का, पिछली वाली वैसे बहुत बेटर है, मैंने खुद भी जब एडिट कर रहा था मुझे भी लगा कि मैंने इस बार थोड़ा सा लंबा बनाया, तो प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर दे देना कैसा लग रहा है ये वाला। स्टार्ट करते हैं GS 1 के सारे टॉपिक्स। जी, इस पेपर 1 जो हमारा है पहला, ये फेस्टिवल वाला ही आता है हमारा इंडियन कल्चर के अंदर, उसमें कवर होते हैं सेलियंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। राजप्रभा फेस्टिवल ओडिशा का है, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है, आपको पता होना चाहिए, नवीन पटनायक जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ओडिशा के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए वहाँ के बीचेस के बारे में, ठीक है, जो कोस्टल एरिया ना वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से आइलैंड्स है, कौन से टेस्टिंग सेंटर्स हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ये जो त्यौहार है इसको ओडिशा में मनाया जाता है, 3 दिन का ये त्यौहार होता है, मदर अर्थ धरती माता को भूमा देवी बोलते हैं वहाँ पर, हिंदी में आप प्योर हिंदी बोलोगे तो भूमि आएगा, वहाँ की लैंग्वेज में ओडिशा की लैंग्वेज में इसको भूमा देवी बोला जाता है, और विमेनहुड एट लार्ज नारीत्व को भी मनाया जाता है वहाँ पर। फेस्टिवल जो होता है वो मिथुन संक्रांति के समय स्टार्ट होता है और उसके 2 दिन बाद तक कंक्लूड होता है। इस बार की जो मिथुन संक्रांति है 15 जून से लेकर 18 जून तक चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल के पहले दिन को बोला जाता है पहली राजा, पहली मतलब पहला पहली राजा, सेकंड को मिथुन संक्रांति और 30 को बोलते हैं बोदाहा और बसी राजा। प्रिपरेशन बिगेन होती है 1 दिन पहले पहली राजा से और उसको बोलते हैं साज बाजा। प्राइमरीली जो होता है ये अनमैरिड गर्ल्स के लिए एक टाइम होता है कि अपनी मैट्रिमोनी के लिए तैयार हो जाएं, तो नारित्व को सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत खूबसूरत बात है ये। एक वे बहुत सारे कस्टम्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं इस फेस्टिवल के, स्पेशली जो न्यूट्रिशियस फूड को कंज्यूम करना, ठीक है, जैसे पोड़ा पीठा। अब पोड़ा पीठा कहाँ का फूड या कौन से फेस्टिवल में खाया जाता है ये आपको पता क्वेश्चन में आ सकता है। नॉट वॉकिंग बेयर फुट, नंगे पैर नहीं चलना है आपको। टेकिंग ए बाथ ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन जो तो सेलिब्रेशन होता है उसका आपको पहले दिन बाथ भी लेना होता है टाइम से। मैरली स्विंगिंग, झूले झूलना, ठीक है, जो भी पेड़ों से बांधे हुए होते हैं। तो ड्यूरिंग द परभा ओडिया पीपल दे नॉट टेक एनी कंस्ट्रक्शन, यानी कि इस पर्व, ये परभा मतलब पर्व उत्सव, ठीक है, इस पूरे पर्व के अंदर ओडिया के जो लोग, ओडिशा के जो लोग हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करते, टिलिंग यानी कि ज़मीन के अंदर मिट्टी की कोई खुदाई उदाई नहीं करते, स्पेशली जहाँ से मिट्टी निकालनी है, क्योंकि वो इस तरह की इसलिए कहते हैं क्योंकि मदर अर्थ की रेस्पेक्ट के लिए होता है, रेस्ट देते हैं अपनी मदर अर्थ को रूटीन वर्क से। इस फेस्टिवल के अंदर जो कंक्लूजन होता है वो होता है वासुमती स्नान के साथ, यानी कि बेदिंग ऑफ द भूमा देवी, धरती की माता की जो होता है स्नान कराया जाता है। इनके एक कस्टम है, रिचुअल है, बहुत खूबसूरत कस्टम है इनका। विमेन जो है वर्शिप करती हैं एक पत्थर को जो सिंबलाइज करता है मदर अर्थ को, ठीक है, कि पत्थर सारे के सारे अर्थ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उसको नहलाते हैं, उस पर टर्मरिक पेस्ट यानी कि हल्दी का तिलक लगाते हैं, ठीक है, उस पर फ्लावर डालते हैं, उसके ऊपर सिंदूर भी लगाया जाता है। स्मियर हर का मतलब होता है, स्मियर का मतलब होता है किसी भी स्टिकी सब्सटेंस को कोटिंग देना, तो सिंदूर को लगाया जाता है। एग्रीकल्चर के साथ इसका क्या एसोसिएशन है, फेस्टिवल जो है वो एसोसिएटेड है एंड ऑफ समर सीजन के साथ, ठीक है, कहीं यहाँ पर माना जाता है कि इस समय पर समर सीजन के एंड हो रहा है और यहाँ से मॉनसून की शुरुआत की सेलिब्रेशन की जाती है, अराइवल ऑफ मॉनसून, इसलिए ये एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर के साथ और कल्टीवेशन के साथ, इसलिए कम्युनिटीज़ और एक्टिविटीज़ इसको सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा फेस्टिवल है, ठीक है, नाम के साथ किस दिन क्या किया जाता है, थोड़ा आपको उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कल्चर और आर्ट फॉर्म का टॉपिक है जो कि काफ़ी टफ आता है,
एग्ज़ाम के अंदर यूपीएससी में स्पेशली जो देखा गया है। मतलब GS1 के बाद काफ़ी कम टॉपिक आते हैं, तो जो भी आते हैं उन पर फोकस किया कीजिए। ये जो सेक्शन हमारा कवर होता है कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर आता है, लिटरेचर आर्ट आर्किटेक्चर फॉर्म्स के अंदर, स्पेशली एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स में। ताल मडले जो एक ट्रेडिशनल आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट मतलब पौराणिक कला, ठीक है, एक वेरिएंट है यक्षगण थिएटर का। यक्षगण भी एक टाइप ऑफ थिएटर होता है। जिन लोगों ने हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया उनको बहुत ईजिली याद होगा, जिन्होंने नहीं किया वो इतना जान ली कि थिएटर की जो कला होती है, नाटक की जो कला होती है, उसी का एक वेरियंट होता है, ठीक है। ये वर्चुअल हो गया इस टाइम पर, COVID-19 में एक परफॉर्मेंस थी उसको लाइव स्ट्रीम किया गया था सोशल मीडिया के ऊपर, इसलिए न्यूज़ में आ गया दोबारा से। ताल मडले के बारे में जाना तो एक एंशियंट फॉर्म है परफॉर्मेंस डायलॉग की, यानी कि आप परफॉर्म करते हो डायलॉग बोल बोल कर, ठीक है, या फिर आप डिबेट कर रहे होते हो। सदर्न इंडिया में मनाई जाती है, ये करावली और मलनाड रीजन जो कि कर्नाटका और केरला के हैं रेस्पेक्टिवली। रीजन्स आपको प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए। प्लॉट एंड कंटेंट ऑफ द कन्वर्सेशन इज ड्रॉन, यानी कि पूरा का पूरा जो मैपिंग, कहा कि किस बात पे बात करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये सारा का सारा एक पॉपुलर माइथोलॉजी से होता है। लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर मेनली इम्प्रॉम्प्टू डिबेट्स, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है कि पहले से डिसाइडेड नहीं होता, ऑन स्पॉट जो आ रहा होता है दिमाग में वही बोला रहता है। जो भी कैरेक्टर जिस होते हैं उसमें सार्केजम, एक दूसरे को थोड़ा सा हंसी मजाक करना, नीचा दिखाना, एक दूसरे पर चिल्ला देना, फिलोसफी की पोजिशंस, ह्यूमर, ठीक है, इन सब के बेसिकली एक हंसी मजाक का एक एक्ट हो रहा होता है। अच्छा, यक्षगण से डिफरेंट कैसे? अनलाइक यक्षगण परफॉर्मेंस जो कन्वेंशनल ताल मडले, इसमें आर्टिस्ट जो होते हैं बैठ जाते हैं आपस में, ठीक है, बिना किसी कॉस्ट्यूम्स के, और टेस्टिंग देयर ऑरेटरी स्किल्स, यानी कि उनकी बोलने की क्षमता को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, और जो भी वो लोग एपिसोड दो भी टॉपिक चूज करते हैं उसके ऊपर। म्यूजिक दोनों में कॉमन होता है, यक्षगण में भी और ताल मडले भी, ठीक है ना। लेकिन जो ताल मडले होता है ना, इसमें बोलकर बातें जताई जाती हैं, अपने जो भी मंशा होती है बोलकर जताई जाती है। यक्षगण में डांस की फॉर्म भी होती है इंक्लूडेड, और इसमें ताल मडले के अंदर कॉस्ट्यूम भी नहीं होती है, इसलिए एक आर्ट फॉर्म है माइनस डांस कॉस्ट्यूम और स्टेज कन्वेंशंस, ठीक है, ध्यान रहे। इस बार ये वर्चुअल हो गया था। क्या होता है ताल मडले, हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम यक्षगण, व्हाट आर क्लासिकल डांसेस? क्लासिकल डांसेस तो आप लोगों को पता ही होंगे, कुचिपुड़ी हो गया, ये कथकली हो गया, और ओडिसी डांस हो गया, ये मणिपुरी डांस हो गया। इन सब के रिगार्डिंग आपको हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर आर्ट फॉर्म्स पूरा का पूरा जानना पड़ेगा, किस स्टेट का है, इसके पॉपुलर एक एक आर्टिस्ट के आपको नाम पता होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग आपको सबसे अच्छा रहेगा, आप गूगल पे लिखो ये वाली चीज़ क्लासिकल डांस फॉर्म यूपीएससी, उसकी ना PDF मिल जाएगी आपको, एक PDF डाउनलोड करके रख लो, बेसिक आइडिया आपको उसका होना चाहिए, उसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत आपको। ये कवर होता है इंडियन कल्चर में, इसके सेलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। किलाड़ी एक्सकवेशंस, अच्छा ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो एंशियंट हिस्ट्री हमारी वो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है, बाकी आर्ट एंड कल्चर जो है वो मेंस में आता है, लेकिन जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो मिडिल जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमारी मेंस में ज़्यादा स्पेसिफिक है, लेकिन एंशियंट का फोकस ज़्यादातर हमारा प्रीलिम्स के रिगार्डिंग रहता है। तो कुछ स्केलेटल रिमेंस मिले हैं चाइल्ड के जो एक्सकेवेट किए गए हैं किलाड़ी के अंदर। किलाड़ी जो एक गांव का नाम है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, और उसका 6th फेज है एक्सकवेशन का। स्केलेटन जो था वो कुछ टेराकोटा अर्न्स के अंदर, टेराकोटा के जो वो पैकेट पैक जो बॉक्स टाइप के होते हैं ना, उन सब के अंदर पैक था। तो किलाड़ी एक्सकवेशन के बारे में जान लेते हैं। ये किलाड़ी जो है कि एक्सकवेशन, इससे पता चलता है कि वहाँ पर कभी किसी टाइम में अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती थी तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, स्पेशली संगमेरा के अंदर जो कि रिवर वैगई के किनारे पे है। जो बहुत सारी एंटिकिटीज़ का मतलब होता है एंशियंट ओल्ड आइटम्स, वैल्यूएबल आइटम्स, उन सबको अनअर्थ मतलब निकाला गया है, जिनसे बहुत क्रूशियल एविडेंस मिलता है ये समझने में कि उस टाइम की आयरन एज, स्पेशली जो कुछ लिंक्स जो मिस हो रहे थे ना 12th सेंचुरी के 6th सेंचुरी के साथ, और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड जो था 6th सेंचुरी का 4th सेंचुरी के साथ, उसमें कुछ लिंक्स मिस हो रहे थे, तो उन्हीं के रिगार्डिंग बहुत सारी कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोगों को पता चलता है इन एक्सकवेशन के थ्रू। लिटरेरी सोसाइटी की बात करें तो तमिल ब्राह्मी के जो लेटर्स हैं जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शन मिला है कि जो पोर्ट था ये वेट कब था और ये ड्राई कब हुआ, तो ये सब इंस्क्रिप्शन में मेंशन मिला है, इससे बहुत अच्छे से पता चलता है कि उस टाइम के लिटरेसी लेवल जो 6th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं काफ़ी अच्छे थे। एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रेरियन का मतलब होता है जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, ठीक है, वो लोग कैटल यानी कि जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं दूध देने वाले, उन सबको पाला करते थे। स्केलेटल फ्रेगमेंट्स मिले हैं काऊ के, ओक्स के, बफेलो के, शीप, गोट, नीलगाय, ब्लैक बक, वाइल्ड बोर, पीकॉक, ये सब मिले हैं। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वहाँ पर, बड़ी बड़ी दीवारें थी, ठीक है, फ्लोर्स बड़े अच्छे से मेंटेन थे, रूफ टाइल्स भी हुआ करती थी, कोलैप्स गेट था, आयरन नेल्स फास्टन टू द पोल्स यानी कि जो कीले होती हैं लोहे की वो सब थी। तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताया जा रहा है कि संगम एज में काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया था। आइटम्स कहाँ का मिले हैं, ब्रिक के स्ट्रक्चर, ईंटों के स्ट्रक्चर मिले हैं, टेराकोटा के रिंग वेल्स मिले हैं, फॉलन रूफिंग्स विद टाइल्स, छतों के ऊपर जो टाइलें थी, गोल्डन ऑर्नामेंट्स जो वो कहते हैं
ज्वेलरी वगैरह होती है उस टाइप की, ब्रोकन पार्ट्स मिले, कॉपर ऑब्जेक्ट्स के, आयरन इंप्लीमेंट्स मिले, टेराकोटा चेस पीसेज मिले, चेस पीसेज समझ रहे हैं आप लोग, चेस बोर्ड वाला, ईयर के ऑर्नामेंट्स यानी कि जो कानों में डालने वाले होते हैं, स्पिंडल वर्ल, फिग्रीन, ब्लैक एंड रेड वेयर, रोटेड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं। तो ये सब प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा पता रखना पड़ेगा। आई थिंक इस वाले पार्ट को आप थोड़ा सा तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ चार पांच आइटम्स के नाम जरूर लिख के रख लो। ग्रेफिटी मार्क्स जो कि अर्दन वेयर यानी कि जो बर्तनों के ऊपर मिलते हैं वो सब देखे गए थे, केव्स में देखे गए, रॉक्स में देखे गए थे, एक्सकवेशन साइट्स के पास मिले हैं, और उनका इंडस साइंस के साथ काफ़ी सिमिलर सा एक मैच है। यानी कि जैसे खिलाड़ी ग्राफिटी में इंडस साइन जो था एक ये इस तरह के साइन देख रहे हो आप इंडस के और खिलाड़ी के, तो साइंस काफ़ी आपस में मैच करते हुए मिले, तो समझ में आ रहा है कि सिविलाइजेशन का आपस में कोई कॉन्टैक्ट भी रहा होगा। प्रीलिम्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किलाड़ी कहाँ पर एक गांव है उसमें तमिलनाडु के अंदर, संगम एरा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ कि एलिमेंट्स अनअर्थ एट द पोर्ट साइड पढ़ लिया है, ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एरा मैं आपको भी दिखाऊंगा, यूज़ ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अगर हम लोग संगम एज की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु और केरला के जो प्लस में कुछ जो श्रीलंका के हमारे पार्ट्स थे उस एरिया की बात कर रहा है। अगर आप लोग मैप को देखना चाहो तो ये पूरा का पूरा रीजन जो आपको थोड़ा डार्क ग्रीन से में दिख रहा है ये संगम एरा को लोकेट करता है। तमिल लक्कम इज वर्ड यूज हेयर, ठीक है, और ये ओल्ड तमिल लैंग्वेज के अंदर इस वर्ड को यूज़ करता है, ये रेफर करता था जो भी एंशियंट टाइम में जो तमिल स्पीकिंग एरिया था ना, ये पूरा का पूरा वो एरिया जहाँ पर तमिल स्पीकिंग थे। तो आज की डेट में भी आपको अगर आप श्रीलंका जाते हो तो आपको तमिल स्पीकिंग पीपल बहुत सारे मिल जाएंगे। और अगर इसके हम टाइमिंग की बात करते हैं, टाइमलाइन की बात करते हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि 6th century BC से लेकर 3rd century CE तक था, और इसका जो नाम था वो फेमस संगम एकेडमिशियंस और पोएट्स वगैरह के ऊपर था, जो स्कॉलर्स वगैरह थे, स्पेशली जो मदुरई सिटी थी उसके ऊपर था। अच्छा, मदुरई सिटी का नाम कितनी बार क्या कुछ चेंज हुआ है इसका आप मुझे क्वेश्चन में आंसर देके बताइए ज़रा। मदुरई सिटी का क्या फ़िलहाल उस एरिया का क्या नाम है, मदुरई ही है, कुछ और नाम हो गया है, ये आप मुझे बताइए। और हम लोग बात कर रहे थे कि उसी संगम जो एरिया था वहाँ पर ट्रेड के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सदर्न इंडिया के अंदर ये जो जो टाइम था संगम एरा का 500 BC से 300 BC, ये 500 कुछ जगह लिखा हुआ है, कुछ 600 लिखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है क्योंकि हिस्ट्री है और थोड़ा बहुत आपको समझना होगा, ठीक है। तो मोस्टली जो उस टाइम प्रेजेंट डे के जो तमिलनाडु और केरला हैं उस टाइम के संगम एरा के अंदर आते थे। जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी वो थी एग्रीकल्चर, वीविंग, पर्ल फिशरी, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। पैडी था बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप था, पैडी का मतलब होता है राइस की जो क्रॉप थी, ठीक है ना, और इट वाज अ स्टेपल सीरियल, स्टेपल का वर्ड का मतलब होता है कि वो खाना जो आप रूटीन पे खाते हो, ठीक है। इवन साउथ इंडिया में आप आज की डेट में भी जाते हो तो राइस इज़ वन ऑफ द स्टेपल सीरियल, ठीक है ना। चावल वो लोग लगभग लगभग हर चीज़ में खाते हैं साउथ इंडिया के लोग, अब आप लोगों को पता चल गया कि मैं साउथ इंडिया से तो नहीं हूँ। पेपर, मिलेट्स, ग्राम्स एंड शुगर केन दे वर दी कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स, ठीक है। पेपर आप समझते हैं, मिलेट्स आप समझते हो, शुगर केन समझते हो, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं ये। तो इस तरह का कुछ ट्रेड देखने को मिलता था, इन्हीं चीज़ों का ट्रेड होता था, और सबसे तो जो मेन होता था वो एग्रीकल्चर पे फोकस ज़्यादा था क्योंकि उस टाइम के अंदर इकोनॉमिक वर्ल्ड कम था, वो सर्वाइवल वर्ल्ड था। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ये इकोनॉमिक वर्ल्ड होता है, ठीक है। और स्टेट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बिल्डिंग और मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि रोड्स, पोर्ट्स, और फंड थ्रू टैक्सेशन का भी काम हुआ करता था। जो इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी की नीड्स हर चीज़ को फुलफिल कहाँ से होती थी, टैक्सेशन से होती थी। तो कहते हैं ना, कोई एक पुरानी हिंदी में कहावत है कि कर और मृत्यु ये दो चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कर मतलब हिंदी में टैक्स को कर बोलते हैं, ठीक है, कर और मृत्यु इनका कोई अंत नहीं है, ये हमेशा होंगे। इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि गोल्ड कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया के बारे में, ये भी प्रीलिम्स के लिंक में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिस्ट्री में कुछ ऐसा मेंशन है कि कुशन के एम्परर थे वीमा, उनको कहा जाता है कि ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया और अराउंड 100 CE। वीमा जो थे प्रेडिसेसर थे कनिष्क द ग्रेट के, जो कि 5th कुशन किंग थे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि बुद्धिस्ट काउंसिल के अंडर कनिष्क का क्या रोल था, ठीक है, कोई बता सकता है? तो जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी उनके लिए बहुत आसान होगा। तो कुशन एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो जो अपर नॉर्दर्न रीजन है हमारे इंडिया का आज के डेट में देखते हैं, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और उधर चाइना का शिनजियांग प्रोविंस वगैरह हो गया, ऊपर जो ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान वगैरह हो गए, वो एरिया था उस टाइम पे, वहाँ पर राज किया करते थे, ठीक है। तो आज की डेट में तो सब अलग अलग कंट्रीज़ बन चुके हैं, पहले ये सब एक ही जगह रहा करती थी। तो जो प्रेजेंट डे का अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया इंक्लूड कश्मीर, पाटलिपुत्र विच इज़ नाउ पटना, पाटलिपुत्र इज़ पटना जो कि बिहार की कैपिटल है, ठीक है। तो फर्स्ट जो गोल्ड कॉइन्स है इंडिया में वो मिंट किए गए थे अराउंड 6th century। मिंटिंग पता है किसको बोलते हैं? गोल्ड कॉइन को बनाने का प्रोसेस को मिंटिंग बोला जाता है, ठीक है। और जो महाजनपद थे इंडो गंगेटिक प्लेन के इन द टाइम ऑफ बुद्धा एंड सर्टेनली बिफोर द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इन द 4th century BC। कहीं ना कहीं जो इंडो ग्रीक लोग थे उनका बहुत ही एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था गोल्ड कॉइन फॉर्मेशन में। द कॉइन्स ऑफ दिस पीरियड वर पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है ना, बनाने के बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ पंच मार्क वगैरह किया जाता था, जो भी उनको मार्क रिक्वायरमेंट थी। सेवरल ऑफ दिस कॉइन्स हैड ए सिंगल सिंबल, फॉर एग्जांपल अ बुल और स्वास्तिका। स्वास्तिका आप लोग समझते होंगे ना, ये जो होता है हमारा, इसको स्वास्तिका बोलते हैं। तो इस तरह के साइन हुआ करते थे, बुल आपको पता ही होगा, बैल। कुशन पीरियड के अंदर जो गोल्ड कॉइन थे ना जनरली डिपेक्ट करते थे आइकोनोग्राफी, यानी स्पेशल जो मिथोलॉजी थी, शिवा, बुद्धा, कार्तिकेय, ये सब उनके डिटेल्स थे जिनके ऊपर, जिनको गोल्ड कॉइन्स के ऊपर यूज़ किया जाता था।
ठीक है, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया और संगम पीरियड हो गया। अब हम चलें अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक हमारा GS1 का ही कवर होता है, इंडियन कल्चर, जिसमें सेलियंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स के अंदर। चोलुंग सुकपा कौन थे? तो पहले न्यूज़ में जान रहे थे, नाम उठ के कहाँ से आया एकदम से। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोलकाता के एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं गर्ग चटर्जी, उनको अरेस्ट करने के लिए बात कही है। तो क्यों कही है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो चोलुंग सुकपा था ना, वो एक चाइनीज़ इन्वेडर था। ठीक है, तो हमको सुकपा के बारे में जानना है, हमको ये न्यूज़ के बारे में नहीं जानना कि कौन किसको अरेस्ट करने की बात कर रहा है। ये तो ऊपर की बात है, इसको कोई नहीं पूछने वाला है आपसे, लेकिन हमको ये जानना है कि सुकपा कौन थे। 13th सेंचुरी के वो एक रूलर थे, ठीक है, जिन्होंने अहोम किंगडम की फाउंडेशन डाली थी। ठीक है, और 6 सेंचुरीज तक इस किंगडम ने राल किया था। 6 सेंचुरी मतलब 600 साल तक। जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स थे ना, ट्रेस देयर हिज रूट्स टू बर्मा। कंटेम्प्रेरी स्कॉलर का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्रेरी मतलब उसी टाइम में एग्जिस्ट करने वाले जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा था कि इनके जो रूट्स थे ना अहोम किंगडम के, वो कहीं ना कहीं बर्मा के अंदर थे। उनको वाइडली रेफर किया गया था, ही वॉज दी आर्किटेक्चर ऑफ बोर असम और ग्रेटर असम। सुकपा उनका कहा यह जाता है कि वो एक जगह छोड़ के आए थे मोलुंग AD 1512 में 8 नोबल्स और 9000 मैन, वुमेन और चिल्ड्रन के साथ, जिसमें मोस्टली मैन थे। अभी मोलुंग कहाँ पर है? मोलुंग आज की डेट में वही बर्मा, और बर्मा के बाद उसको अब नाम हो गया म्यांमार। तो इट वॉज चेराडियो दैट सुकपा एस्टेब्लिश हिज फर्स्ट स्मॉल प्रिंसिपैलिटी, सोइंग द सीड्स ऑफ फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द अहोम किंगडम। तो ये जगह का नाम है चेराडियो, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जगह अगर न्यूज़ में आ गई है ना, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी किसी पॉलिटिकल एंगल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन लोकेशन का, इस लीडर का नाम आ गया है, तो फिर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ये मेंस में नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना। फाउंडर ऑफ द अहोम किंगडम हैड देयर ओन लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज थी, खुद का रिलीजन था, और कुछ सेंचुरीज तक ये कहा जाता है कि उन्होंने, कुछ सेंचुरीज के बाद उन्होंने हिंदू रिलीजन को भी अपना लिया था, और आसामी लैंग्वेज तो उनकी थी। कोमेमोरेट करने के लिए, यानी कि उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी रेस्पेक्ट के अंदर सुकपा एंड उसके रूल के लिए, असम के जो लोग हैं ना, वो असम दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को हर साल। इंस्टा लिंक्स में हम लोग सॉरी प्रीलिम्स की बात कर रहे थे। अहोम्स कौन होते हैं, हम लोगों ने देख लिया, ये जो अहोम किंगडम वाले थे जो इन्होंने स्टार्ट किया था सुकपा ने। सुकपा कौन थे, टेरिटरी को एक्सपेंड कैसे किया था मूव करके, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ असम दिवस हो गया। ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द असम एंड नेबरिंग स्टेट्स, अरे यार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का क्या मैप दिखाऊंगा मैं आपको, आपको पता ही है। वेयर वॉज मोलंग, ये बर्मा जो अपना मैंने बताया आपको भी, म्यांमार। राइट ए नोट ऑन द चोलुंग सुकपा एंड इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अहोम कम्युनिटी। अब ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा, ये हमको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा मेंस का क्वेश्चन, लेकिन हम लोग मेंस के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, टॉपिक्स कवर्ड, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। पुणे NGO एम्स टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ लाल बाल पाल। लाल स्टैंड फॉर लाला लाजपत राय, बाल स्टैंड फॉर बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल स्टैंड फॉर बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक वॉज ऑल्सो नोन एज लोकमान्य। पुणे में एक NGO है जिसका नाम सरहद है, उन्होंने तिलक जी की, यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक है लोकमान्य, उनकी 100th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर एक इनिशिएटिव लेने की सोची है, जिसमें वो लिटरेरी और कल्चर प्रोग्राम्स करेंगे, ताकि महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के बीच में जो कनेक्शंस हैं उनको और ज़्यादा से और बेहतर किया जा सके। पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र ने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था हमारी इंडिपेंडेंस के लिए। उनका हिस्टोरिकल एसोसिएशन और कल्चरल बॉन्ड जो था तीनों स्टेट्स का, वो मॉडर्न एरा के अंदर अगर हम देखते हैं तो सॉलिडिफाई किया गया था लाल बाल और पाल के द्वारा। इंडिपेंडेंस के बाद सोशियो कल्चरल बॉन्ड जो थे महाराष्ट्र और पंजाब के, वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र के टाइज है बंगाल के साथ, वो थोड़े से कमज़ोर हुए हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो डिस्पाइट द पेडिग्री ऑफ लिटरेसी कल्चरल एफिनिटी इन द पास्ट, इतिहास के अंदर साहित्यिक और सांस्कृतिक एफिनिटी, यानी कि आपस में एक दूसरे के प्रति एक कनेक्शन, एक बॉन्ड था दोनों का, बट स्टिल महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के जो कनेक्शंस हैं वो फिर भी वीक हो गए हैं। अगर हम हाईलाइट्स की बात करते हैं इस इवेंट के बारे में, तो एक 2 साल का इवेंट होगा जिसका नाम रखा जाएगा महाराष्ट्र बंगाल फ्रेंडशिप चैप्टर। इसकी परिकल्पना ये की जा रही है, एनविजन मतलब परिकल्पना, कि ये पीपल्स का कल्चरल रिवाइवलिस्ट मोमेंट होगा, यानी कि लोगों की संस्कृति को रिवाइव करने के लिए होगा इन दोनों स्टेट्स की। तिलक जी की डेथ एनिवर्सरी जो कि 1 अगस्त 1920 की है, और 1 अगस्त 2020 को इवेंट स्टार्ट होगा, और ये अगस्त 15, 2022 तक चलेगा, क्योंकि उस दिन अरबिंदो घोष जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ग्रेट फिलोसोफर थे। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय लाल बाल पाल, 3 पॉइंट्स के अंदर हम लोगों को इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। द ट्राइम्वरेट हैड प्लेड अ स्टेलर रोल, तीनों ने मिलकर स्वदेशी मूवमेंट के सेकंड फेज के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन अपना योगदान दिया था।
ताकि स्पेशली जो एक मोमेंटम उन्होंने गैदर किया था जब बंगाल का पार्टीशन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, और इन्होंने सभी ही इम्पोर्टेड आइटम्स का बॉयकॉट करने की बात की थी। स्वदेशी मूवमेंट की अगर मैं आपको बताऊं तो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर ये बात की गई थी, हम लोग विदेशी सामान को नहीं खरीदेंगे, विदेशी सामान के लिए हम लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं देंगे, हम लोग अपने ही देश में बनाए हुए सामान को खरीदेंगे ताकि हमारे यहाँ की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रह सके। ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जो इकॉनमी थी उसको बहुत बुरे तरीके से ड्रेन कर दिया था, हम लोग अपने ही प्रोडक्शन को रिवाइव करना चाहते थे। अगर हम बात करते हैं बंगाल की, तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 के अंदर बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। बंगाल का जो वेस्टर्न पार्ट था उसको उन्होंने कहा था इसमें हिंदू मेजॉरिटी को रखेंगे और ईस्टर्न पार्ट के अंदर हम लोग मुस्लिम मेजॉरिटी को रखेंगे। अगर आप आज की डेट में देखते हैं तो वो ईस्टर्न पार्ट का ही रीजन है जो कि बांग्लादेश है, और वो वेस्टर्न पार्ट का ही रीजन है जो आज की डेट में वेस्ट बंगाल है। लाल बाल पाल ने इंडियंस को मोबिलाइज़ किया था पूरी कंट्री के अंदर बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट खड़े होने के लिए। उन्होंने बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस किए थे, स्ट्राइक्स की थी और ब्रिटिश गुड्स को भी बॉयकॉट किया था। ये मूवमेंट धीरे धीरे बंगाल से लेकर हर जगह फैलती चली गई थी। जो नेशनल मूवमेंट थी वो ग्रेजुअली फेड होने लग गई थी जब बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया गया था और बिपिन चंद्र पॉल और अरबिंदो घोष एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे। कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 1895 के अंदर लाल ने स्टार्ट किया था पंजाब नेशनल बैंक, जो कि पहला इंडियन बैंक था जो सोलली इंडियन कैपिटल से स्टार्ट हुआ था और आज की डेट तक भी फंक्शन कर रहा है। 1917 के अंदर लाल ने इंडियन होम रूल की स्टार्टिंग की थी, और इसी के साथ साथ आपको एक नाम और पता होना चाहिए, एनी बेसेंट का। 1884 के अंदर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे में स्टार्ट की थी अंडर ए बैनर, और उन्हें अंडर द बैनर ओपन द न्यू स्कूल। इसी एजुकेशन सोसाइटी के अंडर उन्होंने न्यू एजुकेशन स्कूल फॉर प्राइमरी स्टडीज़ एंड फर्ग्यूजन कॉलेज हायर एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया था। बिपिन चंद्र पाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के थे कि स्वदेशी गुड्स को रिवाइव करने के लिए और अपने कंट्री की पॉवर्टी को हटाने के लिए उनको ब्रिटिशर्स गुड्स को बहुत अच्छे तरीके से लार्ज स्केल के ऊपर रेजिस्ट करना होगा। प्रिलिम्स लिंक की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द इंडियन सिविल सर्विसेज, इट वॉज इन 1863 सत्येंद्र नाथ टैगोर। ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्र नाथ टैगोर। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अरबिंदो घोष। श्री अरबिंदो घोष का जो बर्थ था वो 15 अगस्त 1872 को था, इसीलिए हम लोग 15 अगस्त 2022 के अंदर 150th बर्थ एनिवर्सरी उनकी सेलिब्रेट करेंगे। ही वॉज बॉर्न इन कोलकाता एंड ही डाइड इन ऑन 5th December 1950। His place of death is Puducherry and his father's name was Dr. K.D. Ghosh. His mother's name was Swarnalata Devi, spouse was Mrinalini Devi. His alma mater was University of Cambridge. He established Sri Aurobindo Ashram. Philosophy में उन्होंने internal yoga, involution, evolution, integral psychology, intermediate zone and supermind पर काम किया था। Literary works की बात करते हैं तो The Life Divine और The Synthesis of Yoga and Savitri उनके literary works थे। श्री अरबिंदो के वर्क्स के बारे में और ज़्यादा बात करें तो पौंडीचेरी के अंदर उन्होंने कुछ पब्लिकेशन स्टार्ट किया था मंथली जर्नल अन्या का, उनके जो असिस्टेंट थे फ्रेंच फ्रेंड्स। उन्होंने लेटर बाद में उनका जो फोकस था डिवाइन डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन काइंड, यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेस, बाद में उन्होंने इन्हीं सब का मेंशन लाइफ डिवाइन में भी किया था। उन्होंने एक पोएम लिखी थी सावित्री 23,813 लाइन्स की ऑफ ब्लैंक वर्स, दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। श्री अरबिंदो हैड फाइव पार्ट विजन, नेमली फर्स्ट वॉज ही विश टू सी फ्री एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड दैट ही विटनेस्ड ऑन 15 अगस्त 1947 ऑन हिज बर्थडे। तो ये आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त को श्री अरबिंदो घोष का जन्मदिन भी होता है। रिसर्जेंस ऑफ एशिया, थर्ड वॉज वर्ल्ड यूनियन, फोर्थ वॉज स्पिरिचुअल गिफ्ट टू इंडिया टू द वर्ल्ड, फिफ्थ वॉज अ स्टेप इन द एवोल्यूशन विच वुड रेज मैन टू हायर एंड लार्जर कॉन्शियसनेस। श्री अरबिंदो आश्रम की बात करते हैं, 1926 में उन्होंने इसको आश्रम को एस्टेब्लिश किया था विद द ट्रमेंडियस ग्रोथ ओवर द ईयर्स। दैट टाइम देर वर 124 डिसाइपल्स एंड टूडे देर आर मोर देन 1200 मेम्बर्स इन दिस आश्रम। फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द इंडियन सिविल सर्विसेज डन, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अरबिंदो घोष डन, हु ट्रांसलेटेड तिलक्स गीता रहस्य एंड संत तुकाराम्स अभंगास इन टू बंगाली, इट वॉज डन बाय सत्येंद्र नाथ टैगोर ओनली, हु वॉज द सिविल फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस सर्वेंट। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रविंद्र नाथ टैगोर आई विल शो यू इन डिफरेंट स्लाइड। हु एस्टैब्लिश शांति निकेतन, रविंद्र नाथ टैगोर। हु वॉज द वायसर ऑफ इंडिया वेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस, लॉर्ड कर्जन 1905। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वदेशी मूवमेंट आई हैव टोल्ड यू, की कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाल बाल पाल आई हैव टोल्ड यू, नाउ वी विल सी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ जी के कॉन्ट्रीब्यूशन से पहले एक बार उनकी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉपुलरली उनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। ही वॉज प्राइमरली नोन एज राइटर, पोएट, प्ले राइट, फिलोसफर, एस्थेटिशियन, म्यूजिक कंपोजर, कोरियोग्राफर,
पेंटर एंड ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ अ यूनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विश्व भारती. उन्होंने पोएट्री बहुत यंग एज से स्टार्ट कर दी थी, फ्रॉम द एज ऑफ 8 ईयर्स ओल्ड. व्हेन ही वॉज 16 ईयर्स ओल्ड उन्होंने अपनी पहली कलेक्शन ऑफ पोएम्स अंडर द पेन ऑफ भानु सिम्हा रिलीज़ कर दी थी. उन्होंने ही हैड स्पोकन एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन्स इन द ईयर 1929 एंड 1937. कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो उन्होंने नेशनल एंथम लिखे हैं इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही कंट्रीज़ के. उन्होंने अपना एक इम्प्रिंट छोड़ा था आर्ट के ऊपर और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ट्रांसफॉर्मिंग इट्स प्रैक्टिसेस एंड अशरिंग इनटू मॉडर्निज्म. बिटवीन 1928 एंड 1940 रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंट किए थे मोर देन 2000 इमेजेस और उन्होंने कभी भी किसी को भी पेंटिंग को अपना टाइटल नहीं दिया था. एक्सप्रेशनिज्म इन यूरोप आर्ट एंड द प्रिमिटिव आर्ट ऑफ एंशियंट कल्चर्स. इन्होंने एक्सप्रेशनिज्म था जो यूरोप का उसी की आर्ट के अंदर उसी से वो बहुत इंस्पायर्ड होते थे. इफ़ यू टॉक अबाउट हिज अवार्ड्स 1913 के अंदर ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ए नोबल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज नॉवल गीतांजलि. एंड टॉकिंग अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ही डिनाउंस्ड ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म. इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है जब कोई रिच कंट्री किसी पुअर कंट्री को सप्रेस करके उसकी इकॉनमी का उसके सोशल का सोसाइटी का उसके कल्चर का यूज़ करती है और उन्हें खुद में अपने आप में फ्लरिश नहीं होने देती है. ही डिड नॉट फुली सपोर्ट और एग्री विद गांधी एंड इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ही व्यूड ब्रिटिश रूल एज अ सिम्टम ऑफ ओवरऑल सिकनेस ऑन द सोशल डिजीज ऑन द पब्लिक. उनकी राइटिंग्स में उन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट को सपोर्ट के लिए बहुत कुछ कहा था. रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा था बांग्लार माटी बांग्लार जोल, जिसका मतलब होता है सॉइल ऑफ बंगाल वाटर ऑफ बंगाल. किसको यूनाइट करने के लिए? बंगाली पॉपुलेशन को, जब बंगाल के अंदर पार्टीशन हो गया था 1905 में बाय लॉर्ड कर्जन. उन्होंने आमार सुनार बांग्ला भी लिखा था जिससे नेशनलिज्म की मूवमेंट को नेशनलिज्म की फीलिंग को उन्होंने पीपल्स के अंदर इम्बाइब किया था. उन्होंने राखी उत्सव को स्टार्ट किया. जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए टैगोर ने जो उनको नाइटहुड गिवन था बाय लॉर्ड हार्डिंग इन 1915 टैगोर ने उसको रिटर्न कर दिया था. कॉर्नर स्टोर ऑफ टैगोर्स बिलीव्स एंड वर्क्स इन द आइडिया ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म कैन नॉट सिंपली बी अचीव बाय रिजेक्टिंग ऑल थिंग्स ब्रिटिश. उन्होंने कहा था कि अगर आपको एंटी कॉलोनियलिज्म को सेटअप करना है तो आप ब्रिटिशर्स का सब कुछ रिजेक्ट नहीं कर सकते. देर आर फ्यू थिंग्स इन द वेस्टर्न कल्चर विच आर गुड फॉर अस, वी नीड टू कीप दोज थिंग्स, बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर अस, वी नीड टू रेजिस्ट देम. अगर मेंस के क्वेश्चन की बात करते हैं तो डिस्कस द की कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाल बाल पाल टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. की कॉन्ट्रीब्यूशंस में हमारे यहाँ पास यहाँ पर ऑलरेडी बेसिक से तीन ओवरव्यू वाले पॉइंट गिवन हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये जो फैक्ट्स हैं ये भी मेंशन करने होंगे. प्लस में आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि पुणे की एक एनजीओ ने एक ऐसे इनिशिएटिव लिया है. लेकिन जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपको लाल बाल पाल तीनों की लाइफ के बारे में एक एक या दो दो लाइनें लिखनी होंगी. जी एस वन में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फ्रीडम स्ट्रगल. उसके वेरियस स्टेजेस क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन थे, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के. अभी नाम थोड़ा ध्यान से सुनना. वरियम कुन्नत कुंजा हमीद हाजी. ठीक है, वरियम कुन्नत कुंजा हमीद हाजी. अब मैं इसको बार बार न्यूज़ में हाजी के नाम से ही प्रोनाउंस करूँगा वरना हम लोग बहुत टाइम लगा देंगे इसके अंदर. फ्रीडम फाइटर थे हाजी. ठीक है, उनकी जो लाइफ है वो बहुत पोर्ट्रे करती है सिल्वर स्क्रीन के ऊपर. उनकी लाइफ को दिखाने की बात की जा रही है, मूवी बनने के ऊपर बात हो रही है, जिसके अंदर मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमरन स्टार करेंगे, उनका रोल प्ले करेंगे. तो हाजी कौन थे? 1870 के अंदर इनका जन्म हुआ था. बहुत ही बहादुर फ्रीडम फाइटर थे. कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये खड़े हुए थे केरला के मालाबार रीजन में 20th सेंचुरी में. अच्छा, ये मालाबार क्या होता है, कोंकण क्या होता है, कोरोमंडल क्या होता है, ये मुझे आप बताएंगे आज आंसर के अंदर. देखते हैं किसको पता है, किसने ज्योग्राफी का थोड़ा. और ये तो मतलब बहुत बेसिक था, स्कूल टाइम भी हम लोगों ने सब ने पढ़ा था. हिंट मैंने दे दिया, मालाबार कोंकण थोड़ा ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन आप बताइए क्या चीज़ें होती हैं. तो उन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रेजिम बनाया था अपना खुद का, यानी कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए एक उन्होंने शासन किया था एक जगह पर. उनके पिताजी थे जिनका नाम था मोहिद्दीन कुट्टी हाजी. ठीक है, उनको जेल भेज दिया गया था अंडमान आइलैंड के अंदर. अंडमान आइलैंड के अंदर ना एक बहुत पॉपुलर जेल है, उसको बोलते हैं सेलुलर जेल, उसी को काला पानी की जेल भी बोला जाता है. अब ये काला पानी की जेल इज़ अ डिफरेंट थिंग, और जो उत्तराखंड में जो काला पानी जहाँ पर इंडिया का नेपाल का डिस्प्यूट चल रहा है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, क्योंकि उनके जो पिताजी थे ना वो भी पार्टिसिपेट करते थे ये जो रिबेलियन के अंदर, जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे. तो इतना पर्सनल इंसिडेंट उनकी लाइफ का इतनी छोटी उम्र के अंदर, इनसे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इनके ऊपर, बहुत भारी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ था. इसी कारण उन्हीं का बदला लेने के लिए ये प्लेड एन इम्पॉर्टेंट इन लाइटिंग द फायर ऑफ द वेंजेंस इनसाइड कुंजा हमीद. ठीक है, तो कुंजा हमीद के अंदर ये छोटा सा इंसिडेंट, उनके पिताजी को जेल भेजने का इंसिडेंट काफ़ी था कि उनको भी उन्होंने एक फ्रीडम फाइटर बना लिया खुद को.
उन्होंने कला का इस्तेमाल किया था, आर्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू रैली द लोकल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ एक रैली निकालने के लिए, रैली में लोगों को बताने के लिए, लोगों को उनके खिलाफ जागरूक करने के लिए किस तरह का अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं। हाजी ने, कुंजा हमीद ने आर्ट का, कला का इस्तेमाल ज़्यादा किया था। उन्होंने अपना सपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी दिया था, खिलाफत मूवमेंट को भी दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आपको पता ही है, खिलाफत मूवमेंट में आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। उस टाइम जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गया था ना, तो टर्की ने जो उनके फेवरेबल कंट्रीज़ थी ना, यानी कि जो टर्की की जो फ्रेंड कंट्रीज़ थी, उनके अगेंस्ट जाकर, ठीक है, और दूसरों का सपोर्ट किया था। तो इसी बात को लेकर ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर जो खालिफ थे, कैलिफ, ठीक है, अब कैलिफ बोलोगे किसको बोलोगे, वहाँ के जो मुस्लिम शासन के जो शासक थे ना सबसे बड़े, उनके पद को बिल्कुल हटाने की बात कर दी थी, उनको उस चीज़ को ख़त्म करने की बात की थी। उसी के अगेंस्ट में मुस्लिम लोगों ने ये एक कैंपेन चलाया था, एक मूवमेंट चलाई थी। तो इंडिया में इसको उन्होंने यही नाम दिया था, खिलाफत मूवमेंट। इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया के ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ इसको चला रहे थे, खिलाफत मूवमेंट को, कि भैया आप लोग टर्की के अंदर हमारे कैलिफ के सिस्टम को ख़त्म करने की बात कर रहे हो। इस मूवमेंट को बहुत लोगों ने साथ दिया था। शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाइयों ने इसको अग्रणी होकर, इसका बींग द पायनियर, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, स्टार्टिंग की थी। और अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इवन महात्मा गांधी का इसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था। द मोमेंट महात्मा गांधी जी का सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट को मिला था, ये बहुत ही लार्ज स्केल पर बढ़ गई थी। तो हाजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट दोनों को ही सपोर्ट किया था। किस चीज़ के लिए? ब्रिटिशर्स की और उनके जो लैंडलॉर्ड्स की तरफ से जो भी एट्रोसिटीज़ कर रहे थे ना इंडियंस के ऊपर, उसके खिलाफ। हाजी को बहुत अवेयरनेस थी इस बात की, जो हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। कॉजेज ऑफ द 1921 रिबेलियन, अब 1921 के अंदर एक रिबेलियन हुआ था, उसमें क्या हुआ था? जब हाजी को एक खबर मिलती है कि उनके कंट्रीमैन और खिलाफत के जो लीडर अली मुसालियार है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है तिरुरंगिड़ी में, और जो मॉस्क है उसको लूट लिया गया कुछ पुलिस ऑफिसर के द्वारा, किल्ड इन द एंसुइंग फाइट, हाजी ने डिसाइड किया था कि अब वो हथियार उठाएंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और उन्होंने एक बैंड ऑफ आर्मी, यानी कि एक जत्था, यानी कि सोल्जर्स का, आर्मी का एक जत्था इकट्ठा किया, ठीक है, और फिर रैली कर दी उनके जो सिपाही वगैरह थे ना ब्रिटिशर्स के, जिन्होंने ये सब किया था उनके अगेंस्ट रैली कर दी थी। उन्होंने इंश्योर किया था कि इस मूवमेंट का एक सेकुलर कैरेक्टर रहेगा, ठीक है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने टारगेट किया था कि जो भी हेल्प करेंगे ब्रिटिशर्स की, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको भी मारेंगे। आउटकम क्या हुआ था? एज अ रिबेलियन हेल्म्ड, हाजी जो थे ना उसको लीड कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, ठीक है, हेल्म्ड बाय हाजी मतलब गाइडेड बाय हाजी, मैनेज बाय हाजी। बहुत जगह पर ये जो रिबेलियन इनका जो मूवमेंट था ना, ये फैल गया था, ठीक है, अर्नाड, वल्लुवनाद तालुक्स और अर्स्टवाइल जो मालाबार, अर्स्टवाइल के मतलब क्या होता है, जो पहले का जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट था ना उसके अंदर। ब्रिटिश ऑफिसर्स और जो लोकल पुलिस थे जो इनके लॉयल थे, उनको तो इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जो बाकी जो सारे एरिया थे ना, उस पूरे को पूरे इस लोकल रेबल ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। टेरिटरी को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब उन्होंने इस जगह को अपना इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था अगस्त 1921 में, और हाजी उसके रूलर बन के रह गए थे, ठीक है। अगले 6 महीने तक हाजी ने एक पैरेलल खिलाफत रजीम चलाया, यानी कि खिलाफत रजीम जहाँ भी चल रहा था उसी के पैरेलल इस एरिया में भी उन्होंने अपने खिलाफत मूवमेंट के हिसाब से चलाया। हेडक्वार्टर थे नीलम्बर में, ठीक है, और उनका एक सेपरेट पासपोर्ट था, अपना खुद का करेंसी थी, अपना एक टैक्सेशन का अलग सिस्टम था इस एरिया में। ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सटेंसिव आर्मी विद द पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदू मैन वॉज बिल्ट विद द एक्सप्रेस एम ऑफ थ्वार्टिंग एनी अटैम्प्ट बाय द ब्रिटिश टू ओवरथ्रो द खिलाफत रूल। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स खिलाफत मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, खिलाफत मूवमेंट वैसे तो 1922 तक चली थी, 1922 तक, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका 1924 तक भी रह गया था। तो इस टाइम के अंदर एक बहुत ही एक्सटेंसिव आर्मी का इन्होंने स्थापना की थी, इसमें हिंदूज भी बहुत सारे थे, ठीक है ना। तो जो भी थ्वार्टिंग मतलब उनके खिलाफ जाना, जो भी अटैम्प्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स खिलाफत मूवमेंट को बंद करने के, उन सबके खिलाफ जाने के लिए इन्होंने एक आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट की थी छोटा सा। टेनेंट्स वर ग्रांटेड द पावर ऑफ लैंड दे कल्टिवेटेड अलॉन्ग विद द टैक्स, यानी कि खेती बाड़ी के लिए वहाँ उस एरिया के अंदर जो भी थे उन सबको छूट दे दी गई थी। अब इनका रूल ख़त्म कैसे होता है? इनका रूल ज़्यादा दिन नहीं चल पाया था। 1922 में जनवरी के अंदर उन्हीं के एक अपने दोस्त ने इनको धोखा दे दिया, उनियन मुसालियार ने, यानी कि उन्नयन मुसालियार एक दूसरा जयसिंह निकला। अब जयसिंह कौन था आप लोगों को, जिनको हिस्ट्री पढ़ी उनको पता है, जयसिंह का उदाहरण दिया जाता है, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आया राम गया राम का उदाहरण दिया जाता है, वैसे अगर आपका कोई दोस्त आपको कोई अपना आपको धोखा दे देता है तो उसके लिए जयसिंह का एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट कर लिया था, ब्रिटिश जज के पास लेके गए थे, वहाँ इनको डेथ सेंटेंस मिल गया था और उनके साथियों को भी। हाजी कौन थे, 1921 में मालाबार रीजन में क्या हुआ था, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस स्टेट एस्टेब्लिश कैसे किया था, खिलाफत मूवमेंट क्या होते हैं, आउटकम्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट क्या थे, ये सब मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया है, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। अगले टॉपिक में हमारे पास है वर्ल्ड हिस्ट्री, GS1 का ही टॉपिक है। वर्ल्ड हिस्ट्री से इतने सवाल आए नहीं हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं।
हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रीड्रॉइंग नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। आई जस्ट होप कि जिस तरीके से हम लोग, मैं ये वाला पार्ट बार बार रिपीट करता हूँ हर न्यूज़ के अंदर, आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया लगता जा रहा होगा डेली डेली थोड़ा थोड़ा करने से कि GS1 के अंदर कौन से टॉपिक होते हैं, GS2 में, 3 में, 4 के तो बहुत ही कम आती है न्यूज़, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा आइडिया लगता जा रहा होगा। सो व्हाट इज़ विक्ट्री डे? रशिया ने 24 जून को सेलिब्रेट किया है 75th विक्ट्री डे, जिसमें एक मिलिट्री की परेड हुई थी, ठीक है। लेकिन जो होना कब था, 9 मई को होना था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था COVID-19 के पेंडेमिक की वजह से। अब ये विक्ट्री डे क्या है? विक्ट्री डे मार्क करता है एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू एंड द विक्ट्री ऑफ द अलाइड फोर्सेज इन 1945। अभी अलाइड फोर्सेज क्या थी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अलाइड पावर्स के अंदर आती हैं ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और USA, ठीक है, 4। और एक्सिस पावर्स में आती थी जर्मनी, इटली और जापान। तो अलाइड फोर्सेज की जीत हो गई थी वर्ल्ड वॉर के अंदर, आपको सबको पता है कि ये लोग जीत गए थे। इसी के लिए एक रिमार्क दिया जाता है 1945 के अंदर। एडोल्फ हिटलर ने खुद को शॉट कर लिया था, खुद को गोली मार ली थी 30 अप्रैल को। 7 मई को जर्मन की जो ट्रूप्स थे उन्होंने सरेंडर, समर्पण कर दिया था, विच वॉज फॉर्मली एक्सेप्टेड द नेक्स्ट डे। तो यानी कि अगले दिन उसको जब एक्सेप्ट किया गया था, तो विच केम इन टू इफेक्ट ऑन 9 मई, इसलिए 9 मई को रशिया क्या मनाता है, विक्ट्री डे। मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8 मई को, ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड विक्ट्री इन यूरोप डे, ठीक है। तो वाई डज रशिया नॉट सेलिब्रेट विक्ट्री डे ऑन द सेम डेट? अब ये प्रीलिम्स में घुमा फिरा के पूछ सकते हैं मे बी, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया गया था 7 मई को, वो स्टिपुलेटेड किया गया था कि सारे जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो सीज करेंगे 23:01 के ऊपर, जो कि बर्लिन का टाइम था 8 मई को, और उस टाइम पर जो मॉस्को जो था वो 1 घंटा आगे था, इसी कारण उसका जो सीज फायर था वो मॉस्को के अंदर अगले दिन मनाया गया था। सिंपल टाइम जोन का इम्पैक्ट था, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पूछेगा ना कोई सेंस बनेगा इसका। हाँ, किसी को आपको पूरा इंटेलेक्चुअल अगर पार्ट दिखाना हो कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, उसके लिए आप बेशक इतना जान लो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक इनिशियल डॉक्यूमेंट साइन किया गया था इन द रीम्स, जो कि फ्रांस में है, 7 मई को, लेकिन रशिया ने आर्ग्यू किया था कि कुछ जर्मन ट्रूप्स ने कंसिडर किया है कि जो रीम्स इंस्टीट्यूट रीम्स कुछ जर्मन सम जर्मन ट्रूप्स कंसिडर द रीम्स इंस्ट्रूमेंट अ सरेंडर टू द वेस्टर्न अलाइज ओनली, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये जो सरेंडर है ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न अलाइज के लिए, इसलिए जो फाइट थी वो कंटिन्यू हो रही थी ईस्टर्न यूरोप के अंदर, स्पेशली प्राग में। इसलिए सोवियत यूनियन ने डिमांड किया कि दूसरी साइनिंग करेंगे। एक सेकेंड सरेंडर किया गया था, सेरेमनी की हुई थी, जिसको जो कि बर्लिन के बर्लिन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, एक कमीशन सेटअप किया गया था, जो भी ओबीसी होती है ना हमारे, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब के सब कैटेगराइजेशन के लिए, यानी कि इनके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होती है, देखो ओबीसी का कितना परसेंट रिजर्वेशन होता है, 27% होता है, लेकिन इसमें ऐसा माना गया कि जो क्रीमी लेयर है ना वो काफ़ी सालों से इसका फ़ायदा उठा रहे हैंगे। तो सरकार ने क्या किया था कि कुछ ऐसे कैटेगरीज पता चली थी कि यार बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो और भी ज़्यादा बैकवर्ड हैं सोशली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से, ठीक है, उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा और सब कैटेगराइजेशन करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर और फोकस लाने की ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक कमीशन बनाया गया था, ठीक है। इस कमीशन के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ, तो इस कमीशन को हेड कर रहा था रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी जी ने, ठीक है। 2015 के अंदर इसकी बात की गई थी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने प्रपोज किया था 2015 में कि ऐसा एक कमीशन बनाओ। तो अक्टूबर 2017 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने, उनकी पावर होती है प्रेसिडेंट की आर्टिकल 342 के अंदर, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 340, 341 ये सारे आर्टिकल, उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया था जो कि सारे के सारे इश्यूज़ को देखेगा, भैया क्या प्रॉब्लम है ओबीसी के अंदर, सब कैटेगराइजेशन की कहाँ कहाँ ज़रूरत है। उसके चेयरमैन बनाया था रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी जी को, आप इंश्योर करेंगी कहाँ कहाँ प्रायोरिटी देनी हम लोगों को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। ऊपर वाला जो कंटेंट मैंने थोड़ा सा नीचे स्किप किया ना, उसको मैं पढ़ाऊंगा अभी, एक मिनट के लिए रुक जाइए आप। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नीड क्या थी सब कैटेगराइजेशन की। सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी इंश्योर करेगा कि जो ज़्यादा जो मोर बैकवर्ड है ना, यानी कि ओबीसी के अंदर भी और भी ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस होती हैं हमारी, उन सबको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स मिले, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। प्रेजेंटली 27% रिजर्वेशन है ओबीसी का, लेकिन ये पूरा का पूरा मोनोलिथिक है, यानी कि इसके अंदर सब कैटेगराइजेशन नहीं है, विच इज़ द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक बार ऊपर की तरफ चल लेते हैं। पहली लाइन तो मैंने आपको पढ़ी दी थी,
ठीक है। आर्टिकल 342 के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 340 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें आप एक कमीशन को अपॉइंट कर सकते हो। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के आदेश के बाद आप एक ऐसा कमीशन अपॉइंट कर सकते हो जिसमें वो कुछ ऐसे लोगों को कंसिडर करेंगे जो फिट हों इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भैया जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कितने हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर। 342 आर्टिकल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सोशल इशूज़ के लिए रिगार्डिंग, और ये जो कमीशन वगैरह होते हैं ओबीसी वगैरह के तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको। थोड़ा सा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये गारंटी करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने आप बिल्कुल बराबर हैं। इसका मतलब अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। आगे देखो, पूरी लाइन सुनोगे तो समझ में आएगा। मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनइक्वल्स। अनइक्वल्स मतलब जिनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, स्पेशली जो डिप्राइव्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उन सब लोगों को एडवांस क्लासेस के लेवल पर ऑन द पार, मतलब इक्वल लेवल के ऊपर लाने के लिए आर्टिकल 14 के अंदर हम लोगों को उनको एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। यहाँ से एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मैं रिसेंटली मैंने बहुत रिपीट किया था, मुझे बताइए अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो आप दो जगह जा सकते हैं, एक तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एक आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो पहली तो चीज़ ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो कौन सा आर्टिकल होता है जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि भैया अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो आपके लिए रिट पास करें। दूसरी बात मुझे बताइए, सेम चीज़ हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है। थर्ड चीज़ ये बताइए कि रिट के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा पावरफुल कौन है। मैंने बिल्कुल रिसेंटली आप लोगों को ही पढ़ाया होगा, और जो बहुत एक्टिवली रहते हैं उनको तो गूगल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसके आंसर के लिए फटाक से लिख देंगे। तो आर्टिकल 14 के बाद हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 का क्लोज 4 ये प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट यानी कि कंट्री हो गया और राज्य हो गया, कोई भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोविजन सेटअप कर सकता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि भैया ये पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन जो है सर्विसेज के अंदर प्रॉपर नहीं है, एडिक्वेट नहीं है। तो ध्यान से सुनना दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आर्टिकल 14 के अंदर तो ये होता है कि आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे, ठीक है, जो भी डिप्राइव्ड क्लासेस होते हैं उनको एडवांस क्लासेस के पैरेलल लाने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। आर्टिकल 16 क्लोज 4 के अंदर ये होता है कि स्टेट को यानी कि कंट्री को ऐसे प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे जिसके कारण वो उनको सर्विसेज के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे सके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सब कैटेगराइजेशन की। अच्छी तो मैंने आपको बता ही दिया है, नीड भी मैंने आपको बता दिया है, एनालिसिस देख लेते हैं हम लोग। दिस डिसीजन स्पीक्स टू द लॉन्ग ईयर्स ऑफ फेलियर इन इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग द लार्ज सेक्शन ऑफ द क्रीमी लेयर फ्रॉम टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कोटा सिस्टम। लंबे समय से जो क्रीमी लेयर था ओबीसी के अंदर, वो बहुत सारा फायदा उठा रहा था कोटा सिस्टम का, ठीक है। उसी सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसीजन लिया, क्योंकि हम लोग फेल हो रहे थे। जो सब कैटेगराइज क्लासेज अब निकल के आएंगी उन सबको एक प्रॉपर प्रोविजन, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। In effect, the Union Government is now seeking to ensure a more equitable distribution of reservation benefits by further differentiating caste groups coming under backward classes on the basis of their levels of social and economic backwardness. वही चीज़ें लिखी हुई, लेकिन पता है ये लैंग्वेज बड़ी अच्छी हैगी, आप मैं कहूँगा कि इसको ना नोट डाउन करके लिख लो, ये तुम मेन्स में कहीं भी बैकवर्ड का कोई भी आंसर आएगा ना बैकवर्ड क्लासेस का, बस लिख देना, सोचना मत ज़्यादा, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इंस्टा लिंक्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा था कि मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, आई थिंक जो कमिंग मंथ होगा तो मैं ये इंस्टा लिंक्स वगैरह को थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करूँगा। तो जैसे ओवरव्यू ऑफ आर्टिकल 340, 14, 15, 16 की बात कर लेते हैं हम लोग, मैं आपको चारों के चारों समझा देता हूँ। वो जो भी फंडामेंटल राइट्स पूछे गए ना 340, 14, 15, 16, उनको बताने से पहले मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस पूरे के पूरे चार्ट को ना आप अपने टेबल के सामने बना के चिपका लीजिए, पूरे साल आपको प्रिपरेशन में ये बहुत काम आने वाला है। आंसर राइटिंग में भी आप करेंगे, वहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ बार बार चेक करना पड़ता है गूगल के ऊपर। तो वो चीज़ें ना जो बहुत कॉमन सी हैंगी, जो आपको मतलब ऑन फिंगर टिप्स होनी चाहिए, उनको आप ऐसे सामने टेबल के लगा लिया करो। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तीन पार्ट्स के बारे में ना ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। पार्ट फोर ए के बारे में, पार्ट थ्री में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट फोर में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, और पार्ट फोर ए के अंदर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है नीचे का पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अभी बात नहीं की गई है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको, पार्ट थ्री के अंदर आते हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच तक। बोरो किया था हम लोगों ने यूएसए और फ्रांस से, जनरली आप लोग सिर्फ यूएसए का नाम सुनते हो लेकिन पता होना चाहिए फ्रांस से भी हम लोगों ने कुछ बोरो किया है। सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 के अलावा। आर्टिकल 20 और 21 आते हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर, ठीक है, लाइफ ऑफ राइट टू लाइफ वाला वो सारा। और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना सिर्फ सिटीजन्स को होते हैं लेकिन फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं होते, वो कौन से वो हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये वाले आर्टिकल्स आपके किसी भी फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं।
फिर हमारे जो छः आर्टिकल्स जो छः फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनकी बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये आर्टिकल 32 होता है। चलो मैंने आपसे सवाल पूछे थे लेकिन यहाँ पे आपको आंसर मिल ही गया है। रिट्स के बारे में, हीबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यू वारंटो, और इसका मैंने आप लोगों को शॉर्टकट भी बताया था ना, एक CPM हेडक्वार्टर करके, जिन्होंने रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको ठीक उनको याद होगा, CPM हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था इसका। कल्चरल और एजुकेशन राइट्स के बारे में आर्टिकल 29 से 30 होता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। 25 से 28 होता है हमारा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक्स इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। 19 से 22 हमारा इंपॉर्टेंट, ये दो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले होते हैं। 14 से 18 में आता है हमारा पूरा का पूरा इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 19 से 22 वाले में आते हैं हमारे 6 राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। तो आगे वाले जो क्वेश्चन थे ना जो इंस्टा लिंक्स के, वो मैं आपको सारे के सारे एक ही आर्टिकल में अब एक्सप्लेन कर दूंगा। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, प्लीज़ इसको ना अपने टेबल के सामने बना के चिपका लो, स्क्रीनशॉट मत लेना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कभी नहीं पढ़ने वाले फ़ोन में खोल के या फिर लैपटॉप में। इसको लिखो पेपर पे, अपने पेन से लिखो, उसको पेस्ट कर लो A4 शीट से। इनसाइट लिंक के जो बाकी सारे क्वेश्चन थे ना, वो पूरे के पूरे इस आर्टिकल में आपके कवर हो जाएंगे। मेरे को द क्विंट का ये बड़ा ही अच्छा एक आर्टिकल मिल गया 2018 का। इसमें हम लोग देखो, वैसे पूछा तो नहीं है उसने, लेकिन फिर भी आप लोग जब UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, और ये OBC EBC सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूंगा। नीचे सारे के सारे क्वेश्चन इस आर्टिकल में कवर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा आर्टिकल मिला है मुझे, मैं इसका लिंक शेयर करूँ या ना करूँ चलो रहने देता हूँ, आप इसमें सारा पढ़ तो लोगे ही। शेड्यूल्ड कास्ट जो होती हैं वो सब कम्युनिटीज़ होती हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ हिंदू कास्ट सिस्टम, हु हैव हिस्टोरिकली फेस्ड डेप्रिवेशन। यार ये ना पता है मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये ना इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए बड़ी अच्छी है। सारी की सारी डेफिनेशन इन्होंने बहुत अच्छे से कंटेंट निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ मार्जिनलाइज हिंदू कम्युनिटीज़ ही होती हैं, उन्हीं को आप शेड्यूल्ड कास्ट डिस्क्राइब कर सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 के अंदर मेंशन है। अब ये आपके पास फैक्ट भी मिल गया और आपको ऊपर डेफिनेशन भी बड़ी अच्छी मिल गई शेड्यूल्ड कास्ट की, ठीक है। ये तो एक वो है, किसी का कमेंट है, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले बता रहे कि वो लोग जो बिलोंग करते ना 4 मेजर वर्ण से, ठीक है, या और उनको बोलते थे स्वर्ण, ठीक है। इन तो 4 वर्ण के सिस्टम हुआ करते थे हमारे, उसी के अंदर से शेड्यूल कास्ट हम लोगों ने निकाला। इसके अंदर और डीप में हम नहीं जाएंगे। शेड्यूल्ड कास्ट जो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उन्होंने इंप्लीमेंट किया था ब्रिटिश जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इंप्लीमेंट किया था 1935 के अंदर। उसमें एक डेफिनेशन दी गई थी शेड्यूल्ड कास्ट की पार्ट 14 के अंदर, जो भी एक्ट जो 1935 का एक्ट था, और सेम डेफिनेशन जो है वो कंटिन्यू होती है पोस्ट इंडिपेंडेंस भी। ध्यान रहे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ ली है उनको पता होगा, जिन्होंने हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली है उनको पता होगा। तो 1935 के एक्ट के अंदर पार्ट 14 के अंदर हमारे शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन गिवन है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइंड्स बिहाइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेमली B.R. अंबेडकर। उनको लगा था कि बहुत ही एक्टिवली एम्पावर करने की ज़रूरत है इन कम्युनिटीज़ को, जो कि सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं। इट वॉज इन दैट इन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ दीज मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। वर्ड पे ध्यान दो, ये वर्ड यूज़ किया करो अपने आंसर राइटिंग के अंदर, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हमारा लॉ कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना शेड्यूल्ड कास्ट को बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है राइट्स वगैरह में। जैसे आर्टिकल 15 हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो स्टेट है वो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। कॉज 2 जो है आर्टिकल का, वो क्या ऐड करता है? नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर जो बोला वही तो था, ठीक है। आर्टिकल 16 भी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन ये अश्योर करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑफिसेज के अंदर अंडर द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर वो गारंटी देता है, प्राइवेट ऑफिसेज के अंदर कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। उसमें प्रमोशन की भी बात करता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, आर्टिकल 46 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बताता है कि स्टेट को प्रमोट करने की ज़रूरत है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, नेमली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। अब आर्टिकल 46 हमारा किसके अंदर आता है? देखो आर्टिकल 46 हमारा आता है DPSPs के अंदर, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी के साथ में मैं आप लोगों को आर्टिकल 243D भी दिखा देता हूँ। देखो यार, बैकवर्ड और OBC शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में सारे आर्टिकल्स ना, प्लीज़ इनके नोट बना लो, ये काम आते हैं सारे के सारे। एक ही बारी में इस टॉपिक को ख़त्म कर दो, लिख लो कहीं पे कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 243 जो है उसमें रिजर्वेशन की बात की गई है शेड्यूल्ड कास्ट के, शेड्यूल्ड ट्राइब की पंचायत के अंदर, ठीक है, ध्यान रहेगा। आर्टिकल 243D के अंदर बात की गई है कि प्रोपोर्शन जो होगा ना रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का म्यूनसिपैलिटीज़ का, 243D में किस में बात कर रहा है? पंचायत में। इसमें किस में बात कर रहा है? म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना। आर्टिकल 330 के जो प्रॉमिस किया गया, रिजर्वेशन होगा शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का लोकसभा के अंदर।
ठीक है, जो भी इनका पॉपुलेशन होगा ना उसी के प्रोपोर्शन के अंदर होता है ये। आर्टिकल 335 ये इंश्योर करता है क्लेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एससी एंड एसटी कम्युनिटी वाइल इंश्योरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन वाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सर्विसेज पोस्ट इन कनेक्शन विद द स्टेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। आर्टिकल 338 क्या करेगा, नेशनल कमीशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपको स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए। ठीक है, आर्टिकल 340 हम लोगों ने अभी पढ़ा था, फिर रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, कमीशन सेटअप करेगा बैकवर्ड क्लासेस के, उनके जो कंडीशन चल रही है, उनका जो स्टेटस है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो वो कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो स्केड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। आर्टिकल 341 कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो नोटिफाई करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर एंड द अदर कैबिनेट्स कि कौन सी कास्ट को कंट्री के अंदर, स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर स्केड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी के अंदर डालना है। ध्यान रहे कौन सा आर्टिकल 341। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आ रहे हैं, इनको नोट डाउन करते चलना, मिस मत करना, कभी सुनते जा रहे हो सिर्फ आप। जो मेंबर्स हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के जो प्रैक्टिस करते हैं हिंदुइज्म, उन्हीं को स्केड्यूल्ड कास्ट में डाल सकते हैं। और ये कहाँ पर मैंशनड है, ये मैंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 के अंदर। ठीक है, जो कि पहली लिस्ट है स्केड्यूल्ड कास्ट की, सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म रिलीजन वाले लोग जो हैं वही स्केड्यूल्ड कास्ट के अंदर आ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पब्लिश किया था एक स्टेट वाइज लिस्ट कास्ट जो कि फॉल करती है स्केड्यूल के अंदर। ठीक है ना, ओनली दोज पीपल हु आर कैरिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट फ्रॉम द लिस्ट स्टेट्स क्वालिफाई फॉर द प्रोटेक्शंस अफोर्डेड टू द मेंबर्स ऑफ एससी कम्युनिटी। एक लिस्ट होती है जो एससी कम्युनिटीज़ की इंडिया की, वो यहाँ पर इस लिंक पे है, तो ये तो मैं आपको क्या दिखाऊंगा। व्हाट लॉज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द स्केड्यूल्ड कास्ट। अब स्केड्यूल्ड कास्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से कानून है। पहला हमारे पास कानून है स्केड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज 1989, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्ट। ठीक है, ये IPC के अंदर आता है। ओके, डीप में देखो, इससे ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, ये एक अच्छा डेटा है, जो NCERB का डेटा था 2017 में एनुअल रिपोर्ट में, उसमें बताया गया था कि 2016 के अंदर SC ST के अगेंस्ट 40,801 क्राइम्स किए गए थे। ठीक है, एक द वायर की एक रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया था कि दो जितने भी क्राइम्स हैं इंक्लूडिंग दो दैट वर एलिज्ड ऑफेंडर एज अ पब्लिक ऑफिशियल वुड बी रिकॉर्डेड अंडर अदर IPC सेक्शन दस रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्राइम्स रिपोर्टेड अंडर। यानी कि कुछ जो थे वो IPC के अंडर जो कि वुड बी रिकॉर्डेड अंडर IPC सेक्शन, उनकी काउंटिंग इसमें कम की गई, यानी कि 40,000 के बियॉन्ड ही थे। तो आपको एक रफ एस्टिमेट, आपको हालांकि आपको ये नहीं चेक करना है कि द वायर ने क्या लिखा, आपको लिखना है NCERB का डेटा क्या है, बस दैट्स इट। इसके अलावा मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है UPSC के अंदर। ठीक है, और ये जो था रिहेबिलिटेशन एक्ट था, इंप्लीमेंट किया था 2013 के अंदर। जो भी लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं ना, ये लोग जो इस तरह से नाले वाले के अंदर निकल के सफाई जाके सफाई करते हैं, इसको बंद करने के लिए। स्केड्यूल्ड ट्राइब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे ही देता हूँ। ठीक है, कुछ हमारे पास इंडिया में तकरीबन 700 स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और ये किसका डेटा है, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब का। तो कितनी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। स्केड्यूल्ड ट्राइब की डेफिनेशन हमारी कहाँ पर मिलती है, 1931 के सेंसस से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, नेशनल कमीशन ने स्केड्यूल्ड ट्राइब को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रिमिटिव ज्योग्राफिकल आइसोलेशन शाइनेस एंड एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। अब ये देखो, तुमको दिख तो रहा होगा कि काफ़ी टफ शब्द हैं, लेकिन ये अगर कमीशन ने अगर ये डेफिनेशन लिखी हुई, तो मैं कहूँगा कि आप इसको लिख लो अपने नोट्स के अंदर, और ये इसको लिखना है आपको एग्ज़ाम में। काफ़ी कुछ है आज इंपॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में लिखने का है। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उन्होंने लिस्ट एक रिलीज़ की थी 75 ट्राइब्स की, जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ध्यान रहे, और कहाँ कहाँ पे हैं ये, 18 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर हैं। ठीक है, और मिनिस्ट्री इनके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी कैरी आउट करती है। तो स्केड्यूल्ड ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कौन से कानून बनाए गए थे, तो मेजर एक आता है हमारा आर्टिकल 342, जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो नोटिफाई करेगा इन कम्युनिटीज़ को जो कि क्लासिफाई की जाएंगी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर। इसके अलावा फंडामेंटल राइट जो होते हैं आर्टिकल 15-16, वो तो उनको देखते हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा इनके ऊपर। आर्टिकल 46 फिर से वही गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि इनका वेलफेयर और प्रमोशन के लिए सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए। इसके अलावा 243D, 243T, 330, 320 हमने ऊपर बात की थी कि प्रोपोर्शन सीट्स वगैरह रिजर्व करेंगे, कहाँ कहाँ पर रिजर्व करेंगे, पंचायत में डी से, ठीक है, टी से म्यूनसिपैलिटीज में, 330 से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, 332 से लोकसभा के अंदर। अब स्केड्यूल्ड ट्राइब के कमीशन सेटअप करने की बात कहाँ आती है, वो आती है आर्टिकल 338A के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 164 क्या प्रोवाइड करता है कि अपॉइंटमेंट होगा एक मिनिस्टर का जो कि इंचार्ज होगा ट्राइबल वेलफेयर का, कहाँ कहाँ पर, ये स्पेसिफिक लो है, देखो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, और वो क्यों करेगा, क्योंकि ये वो एरियाज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्केड्यूल्ड ट्राइब्स मिलते हैं हमारे।
फिफ्थ शेड्यूल की जब बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन सेटअप करेगा शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, जहां पर वो एडवाइजरी काउंसिल के सेटअप करेगा। रिसेंटली मैंने इनसाइट की ही न्यूज़ में मंथली के अंदर आप लोगों को एडवाइजरी काउंसिल के बारे में बात की थी, आई थिंक असम की बात की थी शायद, या मैंने असम की बात की थी शायद, मुझे वो स्टेट याद नहीं आ रहा है। तो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हम लोग एक एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करते हैं। एडवाइजरी काउंसिल जो होता है ना पूरा का पूरा गवर्नर के अंदर होता है, ठीक है, तो इसको थोड़ी सी ऑटोनॉमी ज़्यादा होती है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, ये न्यूज़ में भी था अभी रिसेंटली। सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो प्रोविजन देता है एडमिनिस्टर करने के लिए ट्राइबल एरियाज़ कहाँ पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आपको दो आर्टिकल मिल गया, एक तो शेड्यूल मिल गया, ठीक है, एक आपको आर्टिकल मिल गया था जो स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्राइबल ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 ये इंप्लीमेंट किया गया था कि जो भी इंडिविजुअल और कम्युनिटी के राइट्स होंगे इनके ट्राइबल एरिया से, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। 2006 का एक्ट है तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्वियसली जो हमारा एक्चुअल में टॉपिक चल रहा था। देखो यार ये कंटेंट इतना अच्छा मिला ना मुझे, मैं क्या करूँ, मेरे को लगा कि आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर बार लोग बोलते थोड़ा ओवर एक्सप्लेन करो, ओवर एक्सप्लेन करो, तो मैं सोचा कि आज ढंग से एक्सप्लेन कर ही देते हैं आप लोगों को। ओबीसी की जब बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 340 की। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो एक ऐसे कमेटी को सेटअप करेंगे जो इन्वेस्टिगेट करती है कि प्रॉपर अपलिफ्टमेंट, वेलफेयर और डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मंडल कमीशन इसके लिए सेटअप किया गया था 1978 के अंदर, और उससे पहले एक केलकर कमेटी भी उठाई गई थी, उसके बारे में भी नीचे मेंशन होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलो ठीक है, सीक्वेंस में चलते हैं। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारी जानने की है, जो हमारा जो इनसाइट लिंक के जो क्वेश्चंस थे ना, वो ये है कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ना, उसी को ये टास्क मिला हुआ है कि वो मेंटेन करेगा, अपडेट करेगा स्टेट वाइज लिस्ट, किसकी, ओबीसी की, और उसके क्राइटेरिया क्या होंगे जो भी नोटिफिकेशन दी जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। ये क्वेश्चन में है वहाँ पर, तो मैं आपको इसलिए इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ। तो कानून क्या कहता है बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, आर्टिकल 15 और 16 वही बोलते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ होती हैं, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ के लिए जो लॉ अप्लाई होता है, सिमिलरली अप्लाई होता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो मैंने ऊपर बताया था। मंडल कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिजर्वेशन की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, तो मंडल कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी 1980s के अंदर, और उसका जो क्राइटेरिया था, जो भी मेजर्स लिए गए थे बैकवर्डनेस के लिए, उन्होंने कहा था कि नियरली 52% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ओबीसी कैटेगरी में आती है। अब ये आप कोट कर सकते हो आंसर के अंदर कि एज़ पर द मंडल कमीशन 52% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन फॉल्स इन ओबीसी कैटेगरी। तो इसी बात को इनकी जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उन्होंने कहा था कि इनकी वो 27% की इनकी रिजर्वेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो इनिशियल रिकमेंडेशन आई थी ना इस प्रोपोर्शनेट को लेकर, उसमें भी कुछ बताया गया था कि मैंडेट होना चाहिए 52% रिजर्वेशन सिर्फ ओबीसी के लिए, लेकिन ये क्या कर रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है ना कि 50% टोटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसको एक्सीड कर रहा था, इसलिए इसको कम कर दिया गया था। फिर इसे जो कमीशन था ये परसेंटेज थी ये 27 की गई थी, इसके एडिशन जो एग्जिस्टिंग 22% रिजर्वेशन था वो शेड्यूल्ड कास्ट का और ट्राइब का है। फाइनल परसेंटेज जो सीट्स की थी रिजर्व की स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के अंदर वो होती है 49%। रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर भी केस आया था नीट वाला, वहाँ पे भी हम लोगों ने रिजर्वेशन वाले टॉपिक को डिस्कस किया था। इसके बाद बाकी तो ज़्यादा बात, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस रहने देते हैं, काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये देखिए ये सारे के सारे टॉपिक्स थे, पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड कम्युनिटीज फ्रॉम द सेंटर लिस्ट टू ओबीसी, और स्टेट पावर की, स्टेट की क्या पावर होती है कैटेगरीज करने के लिए मंडल कमीशन, प्रेसिडेंट की पावर, हेड ऑफ द कमीशन तो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस ही कर लिया था, रिटायर्ड जज जो थी, ओवरव्यू ऑफ द आर्टिकल 340, 1450, 1516 मैंने आप लोगों को एडिशनल ही बता दिया है। एक बार जरा मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस द नीड फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। नीड की हम लोगों ने बात की थी, वो यही नीड थी, सब कैटेगराइजेशन इनकी जरूरत इसलिए क्योंकि कुछ सेक्शन जो है ओबीसी के विद इन उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। अब इसको आपको एक्सटेंड करके लिखना, एक्सटेंड में आपको यही सारे बताने पड़ेंगे, मंडल कमीशन ने क्या कहा था, केलकर कमेटी ने क्या कहा था, कौन से आर्टिकल में क्या रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, और एनालिसिस के बारे में, यही सब आपको लिखना होगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म निसर्ग जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखो पहली बात तो साइक्लोन के ऊपर ना दो क्वेश्चन प्रीलिम्स में 2013 और 2014 में आ चुके हैं। पहला तो आया था उस टाइम पर कोई पी नाम से ना कोई प्रीलिम्स में वो आया था कोई साइक्लोन, मेरे को याद है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब रीड किए थे तो उसमें था, तो उसके साथ में एक पार्ट तो ये था। दूसरा पार्ट ये था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होते हैं। देखो ये अर्थ होती है, इस बीच में इक्वेटर होता है, ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो इन दोनों के बीच में जो भी वो पड़ता है ना रीजन, वहाँ पर जो साइक्लोन आते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इसके बियॉन्ड जो दोनों साइड में जो साइक्लोन आते हैं उनको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। दोनों के फॉर्म होने का ना तरीका बहुत डिफरेंट होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ना बीच वाले, इनका फॉर्मेशन के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो प्लस में हीट जो होती है ओशन के सरफेस के ऊपर, जो हीट होता है टेम्परेचर होता है वो बहुत इंपैक्ट करता है, वो बहुत मेजर रीजंस होते हैं उसके फॉर्मेशन के।
लेकिन जो ऊपर टेम्परेट होते हैं पोलर साइड की तरफ जो होते हैं टेम्परेट रीजन में जो होते हैं उनके अंदर ये नहीं फ़र्क पड़ता। उसमें क्या होता है कि पोलर रीजन से जो विंड का जो एयर का जो मास आ रहा होता है वो प्लस में ट्रॉपिकल से जो एयर का मास आ रहा होता है उन दोनों में डिफरेंस होता है। पोलर साइड से कोल्ड एयर एयर का मास आता है और सेंटर इक्वेटर से ट्रॉपिकल की साइड से हॉट एयर का मास जाता है। इन दोनों के मिलने के कारण वहाँ पर टेम्परेट रीजन में साइक्लोन फॉर्म होते हैं। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। एक क्वेश्चन मेंस में ये भी आ चुका है कि जो टेम्परेट ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं ये साउथ चाइना सी के रीजन में प्लस बे ऑफ बंगाल और इन सब एरिया में क्यों फॉर्म करते हैं। निसर्ग के बारे में आपको बताता हूँ, उसको बांग्लादेश ने इसका नाम सजेस्ट किया है, ठीक है। और ये जो निसर्ग वर्ड होता है इसका मतलब होता है नेचर और कॉस्मोस। अच्छा एक बात आपको और बता देता हूँ साथ साथ अभी, ये सॉरी गलत बना रहा हूँ, ये मैप है इंडिया का, ठीक है। ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, इसको मैं बॉब बोलता हूँ, और ये हमारा अरेबियन सी है एस, ठीक है। इंडिया के अंदर मेजरली जो वो देखे जाते हैं साइक्लोन्स होते हैं ना इंडिया के, अगर हम बात करें आईएमडी की बात करें तो वो बीओबी के अंदर ज़्यादा होते हैंगे। क्यों अरेबियन सी में इतने कम क्यों होते हैं? देखो एक तो बे ऑफ बंगाल के जो सी ओशन सरफेस होता है ना उसका टेम्परेचर हल्का सा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? अरेबियन सी वाले का ना एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। वहाँ पे लैंड सराउंडिंग जो है ना वो थोड़ा सा दूर इस साइड में अफ्रीकन रीजन में और ऊपर जो मिडिल ईस्ट का रीजन जाता है काफ़ी डिस्टेंस पे है ये, ठीक है। लेकिन बे ऑफ बंगाल वॉल है कि ना बिल्कुल पास पड़ जाती है दूसरी बाउंड्री, तो यहाँ पर लैंड मास ज़्यादा होता है तो इसलिए यहाँ पर हीट जो होती है ज़्यादा होती है, लेकिन अरेबियन सी वाले में कम होती है। तो हीट एक बहुत मेजर फैक्टर होता है साइक्लोन के फॉर्मेशन का। फिर अरेबियन सी वाले जो फॉर्म होते हैं ना हमारे, वो जनरली उनकी मूवमेंट जो होती है, मैं आपको कलर चेंज करके एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। अरेबियन सी वालों की जो मूवमेंट होती है ना वो जनरली इस तरीके से होती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल वालों की भी मूवमेंट इधर से होती है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, तभी हमारे ओडिशा के ऊपर कभी आंध्र प्रदेश वाले साइड और इस बार ये वेस्ट बंगाल की तरफ चला गया था जो हमारा एम्फान आया था। जनरली ओडिशा वाला एक रीजन होता है वहाँ पर ज़्यादा आते हैं हमारे साइक्लोन्स, ठीक है। और इस साइड में ना यहाँ पर आते हैं अरेबियन सी वाले, वो इंडिया को बस टच भी नहीं करते बल्कि चले ही जाते हैं। और वो एक और खास बात होती है कि ये अरेबियन सी वाले जो होते हैं ना नवंबर में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आते भी कहाँ हैं लेकिन जो भी होते हैं नवंबर रीजन होता है। इस बार डिफरेंट ये हुआ है, पहली बात तो ये हुई है कि भैया एक तो ये इधर से आए हैं, ठीक है, इस वाले रीजन से आए हैं हमारे। रुक जाओ मैं इसको इरेज तो कर दूँ। एक तो इस वाले रीजन से यहाँ आ गए सीधे के सीधे, फिर कलर चेंज करके आपको समझाना पड़ेगा मुझे। इस रीजन से ये सीधे के सीधे महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्ट पे आ गए। सेकंड चीज़, नवंबर में आना चाहिए थे, जून में आ गए, तो ये एक डिफरेंट चीज़ हो रही है, क्लाइमेट के अंदर जो चेंज हुआ है उसके कारण हुआ है। अभी पिछले कुछ सालों से जो रिसर्च चल रही थी, 3-4 सालों से एक रिसर्च में और ज़्यादा उसमें सच्चाई सामने आई है। साइंटिस्ट बोल रहे थे कि अरेबियन सी का भी जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो इस रीजन में भी जो साइक्लोन्स हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। अभी देखो मैंने आपको बेसिक काफ़ी कुछ बता दिया है। इंडिया के अंदर जो साइक्लोन की नेमिंग वगैरह होती है ना उसको कौन देखता है? उसको देखता है आईएमडी, ठीक है। आईएमडी वर्ल्ड के जो 6 मेजर रीजन्स होते हैं ना डब्ल्यूएमओ के अंडर जो साइक्लोन्स की नेमिंग वगैरह करते हैं उसमें आईएमडी वन ऑफ देम है। तो आईएमडी अपना और अपने आसपास की कंट्रीज़ का 13 कंट्रीज़ की एक लिस्ट होती है। 2018 तक ये 8 कंट्रीज़ हुआ करती थी, 2018 में 5 कंट्रीज़ और ऐड हो गई थी, तो 13 कंट्रीज़ है। 13 कंट्रीज़ मिलकर 13 नेम्स देती हैं, तो 169 नेम्स की एक लिस्ट बनती है। रिसेंटली हम लोगों ने डेली न्यूज़ में पढ़ा भी था, ठीक है। तो इस वाले का करंट का नाम जो है वो निसर्ग दिया था, ये बांग्लादेश ने दिया था इसका नाम। ये महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्ट के ऊपर आ रहा है। व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट के अंदर ये कि भी कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं कि जो साइक्लोन है सी सरफेस के टेम्परेचर जो था 30-32 डिग्री सेल्सियस तक था। अच्छा साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है? एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ओशन के सर्फेस पर अगर कुछ टेम्परेचर जो होता है वो लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट करने लग जाता है ना, यानी कि तकरीबन कुछ 2-3 सप्ताह महीना भर तक रुक जाए, तो फिर वहाँ से क्या होता है, वहाँ से वाटर इवेपोरेट करके ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। और ऊपर वाटर जाएगा तो वहाँ से ड्रॉपलेट्स ऊपर जाकर उसमें ड्रॉपलेट्स वगैरह क्रिएट होंगे, ड्रॉपलेट्स क्रिएट होंगे तो वो फिर नीचे की तरफ आएंगे तो उसमें हीट रिलीज़ होगी, हीट रिलीज़ होगी तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होता तो विंड कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब आसपास के रीजन में जहाँ हाई प्रेशर था वहाँ से इस लो प्रेशर में विंड आती है और यहाँ पर फिर वो वर्ल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। वर्ल मूवमेंट मतलब वर्लपूल वाली घुमावदार मूवमेंट बस बन जाता साइक्लोन ऐसे कैसे। फिर ये सरफेस के ऊपर लैंड के ऊपर आके क्यों बन जाता है? क्योंकि नीचे से मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है। तो साइक्लोन के लिए जो दो मेजर इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं वो होती हैं, एक तो टेम्परेचर, दूसरा मॉइस्चर। बस इतना आपको ध्यान रहे। और ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, इसमें 12 घंटे की कुछ वार्निंग इन्होंने दी थी। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ विंड होती हैं, सर्कुलेट करती हैं, ये मैंने आपको बता दिया एक्चुअली, इसमें कुछ देखने की जरूरत है नहीं। हाँ ये कलर कोडिंग आपको जरूर पता होनी चाहिए। सुपर साइक्लोनिक के अंदर रेड कलर की कोडिंग होती है, 120 से ग्रेटर की स्पीड होती है। सुपर साइक्लोनिक हमारा एम्फान था, ठीक है। वेरी सीवियर होता है उसकी येलो कलर की कोडिंग होती है, 64 से 119। सीवियर साइक्लोनिक होता है 48 से 63। अच्छा 63 से ऊपर जब आता है ना,
ध्यान रहे 63 किलोमीटर से ऊपर का जो स्पीड का होता है उसी को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, उससे नीचे वाले को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम नहीं देते। साइक्लोन की फॉर्मेशन के अंदर इन्होंने एक्जैक्टली वही चीज़ें बता रखी जो मैंने आपको अभी बताई थी, फिर भी एक बार हम लोग रीड करके देख लेते हैं। साइक्लोन वी फॉर्म होती है जब लो प्रेशर क्रिएट होता है और बहुत हाई स्पीड से विंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। फैक्टर जैसे कि विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे साइक्लोन को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन से पहले जो वाटर होता है वो हीट अप होकर एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर वेपर में चेंज हो जाता है। वेपर में चेंज होने के बाद वो दोबारा से लिक्विड बनकर रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे आता है, फिर जो हीट होती है वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब जो हीट रिलीज होती है ना वो वार्म कर देती है एयर को, जो एयर होती है वो राइज करती है, उसके कारण प्रेशर में ड्रॉप आता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, फिर जो आसपास की जो एयर होती है वो रश इन करती है उसमें पास आती है, इससे साइकिल रिपीट होता रहता है, उसी को साइक्लोन बोलते हैं। क्या फास्ट फास्ट मैंने समझाया ना, मेरे को भी लगा मैं कुछ ज़्यादा फास्ट बोल गया, पर ये वही चीज़ मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी थी। एडिशनल फैक्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जो मैंने आपको बताया कि नेमिंग के लिए देखो WMA का नाम, WMA आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर ना एक 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर आते हैं, ये RSMC और 5 होते हैं TCWC, इसी के अंदर IMD भी आता है। IMD वन ऑफ द 6 RSMC होता है। इंडिया का जो वेदर ब्यूरो है ना ये मैंडेट करता है कि इसकी ड्यूटी साइक्लोन वगैरह के ऊपर नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर और अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में जो भी हो रहा है उनका सबका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, वो IMD हैंडल करता है। आसपास की कंट्रीज़ को भी नाम वगैरह देने का काम इंडिया का ही होता है, IMD का ही होता है। IMD ने अप्रैल के अंदर 13 कंट्रीज़ के साथ मिलकर IMD प्लस 12 कंट्री, टोटल 13 कंट्रीज ने लिस्ट रिलीज़ की थी, मैंने आपको बता दिया 169 नेम गए थे। पहले जो लिस्ट थी 8 कंट्रीज़ की लिस्ट थी, तो 8 कंट्रीज़ ने 8 नाम दिए थे, यानी 8 × 8 64 नेम्स दिए थे। अगले आने वाले साइक्लोन के नाम होंगे गति, निवार, बुरेवी, तकुते, यास। अच्छा, एक बार जो नाम दे दिया जाता है ना वो नाम रिपीट नहीं होता बाद में, स्पेशली अगर कोई बहुत मेजर साइक्लोन होता है तो उसका नाम रिपीट नहीं होता है। ये छोटा मोटा कोई टुच्चे पुच्चे आते हैं ना वो नाम आप बेशक रिपीट कर सकते हो फ्यूचर के अंदर कभी भी। सन्स कोरोना, साइंटिस्ट ने रिसेंटली कुछ डिस्कवर किए हैं, कुछ टाइनी फ्लैशेज हैं रेडियो लाइट के जो कि सन के चारों तरफ एमिनेट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे हेल्प मिलेगी जो लॉन्ग टर्म का कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम है ना जो पेंडिंग है अभी तक उसके बारे में जानने में। ये जो डेटा कलेक्ट किया है ये मुर्चिसन वाइट फील्ड एरे रेडियो टेलीस्कोप है, उस टेलीस्कोप ने डेटा कलेक्ट किया है। ये है क्या, जो रेडियो लाइट्स और सिग्नल्स हैं ना उनको स्टडी के रिजल्ट से पता चलता है कि वो बीम है इलेक्ट्रॉन्स की जो कि एक्सेलरेट हुई है जो मैग्नेटिक एक्सप्लोशन हुआ है सन के अंदर उसके कारण। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है टाइनी मैग्नेटिक एक्सप्लोजन्स का, जिसको ओरिजिनली हम बोलते हैं नैनो फ्लेयर्स, और ये जो एमिनेंट अमेरिकन सोलर एस्ट्रोफिजिस्ट थे यूजीन पार्कर उन्होंने बताया था। रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि जो एक्सप्लोजन है ना कुड इंडीड बी हीटिंग अप द कोरोना, इन एक्सप्लोजन्स के कारण जो कोरोना है वो हीट भी हो रहा होगा। ये हमारा कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है। ये देखो सन का कोरोना क्या होता है, सन का जो कोरोना होता है उसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है सन के एटमॉस्फेयर का, ये जो यूजुअली हिडन होता है सन की ब्राइट लाइट के कारण सन के सर्फेस से, इसके कारण ऐसा डिफिकल्ट होता है इसको बिना स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के देख पाना। हालांकि ये जो कोरोना है ना इसको टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पर देखा जा सकता है। फीचर्स क्या होते हैं, जो कोरोना होता है वो कहते हैं कि 10 मिलियन टाइम्स लेसर डेंस है सन के सरफेस से। देखो ध्यान से समझने की चीज़ें, जो लो डेंसिटी होती है ना वही उसी के कारण जो कोरोना होता है वो लेस ब्राइट होता है सन के सरफेस से, भी कम ब्राइट होता है उसका। लेकिन जो कोरोना होता है वो इतना हॉट क्यों होता है, देखो कोरोना का जो हाई टेम्परेचर होता है ना वो एक मिस्ट्री है अभी तक, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स अभी तक यही ट्राई करने की सोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं इस मिस्ट्री को बहुत लंबे टाइम से। कोरोना जो है वो आउटर लेयर में होता है सन के एटमॉस्फेयर में, जो कि सरफेस से काफ़ी दूर होता है, ठीक है। येट ये जो कोरोना होता है उससे सन के सरफेस से 100 times हॉट होता है। तो वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरफेस से भी ज़्यादा हॉटर चीज़ उसके बाहर की तरफ ही क्यों है, इसका क्या रीज़न है, तो ये मिस्ट्री है अभी तक। और जो कोरोना होते हैं वो सोलर विंड्स कैसे कॉज करते हैं, देखो ये एक तो पहले आप ये देखो ये जो आपको मूवमेंट दिखाई दे रही है ना इसके अंदर ये GIF है, ये सारी की सारी सोलर विंड होती हैं, ठीक है। ये स्पेस के अंदर फार एंड तक जा रही होती हैं, ठीक है, ट्रेवल करती हैं सोलर सिस्टम के अंदर। और जो कोरोना का जो टेम्परेचर होता है ना वो इसके पार्टिकल को अलाउ करता है कि वो हाई स्पीड पे ऊपर मूव करें, ठीक है, और इतने हाईली मूव करते हैं कि इवन वो सन की ग्रेविटी को भी एस्केप कर जाते हैं, ठीक है। हम वाइल्ड फील्ड एरे रेडियो टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो कि कंस्ट्रक्ट करते हैं और ऑपरेट करते हैं लो फ्रिक्वेंसी रेडियो एरे के ऊपर। ये वाला पार्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्चुअली ये वाला टॉपिक है ही उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, कि पहली बात तो ये लो फ्रिक्वेंसी रेडियो एरे हैं MWA जो है, ऑपरेटिंग ऑन द फ्रिक्वेंसी रेंज इसकी 370 से 300 MHz है। और जो मेन साइंटिफिक गोल है इसका है कि वो है कि ये न्यूट्रल एटॉमिक हाइड्रोजन एमिशन जो होती है ना कॉस्मोलॉजिकल इपोज ऑफ रीआयनाइजेशन EOR से,
उस एमिशन को डिटेक्ट करने के लिए, ये उसका मेन एम है। फिर सन को स्टडी करने के लिए उसके हेलियोस्फेयर को, अर्थ के आयनोस्फेयर को, रेडियो ट्रांसिएंट फिनोमिना को, और इसके अलावा जो मैप होता है ना एक्स्ट्रा गैलेक्टिक रेडियो स्काई का, उन सबको भी स्टडी करने के लिए है ये। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है MWA का। वन, पहले वाला कवर होता है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एट्सेट्रा में। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? तो रिसेंटली कंट्री ने 21 जून को एक सोलर इक्लिप्स एक सूर्य ग्रहण को देखा था। ये जो है बहुत ही रेयर एनुलर इक्लिप्स होता है। बताऊंगा एनुलर क्या मतलब होता है। और ये साल में एक दो साल में एक बार ये हो रहा होता है, और ये कोइंसाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, जो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है ना, जिसको हम लोग समर सोल्स्टिस भी बोलते हैं। तो समर सोल्स्टिस होता है 21 जून को। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? एक नेचुरल इवेंट होता है जहाँ पर अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑकल्टेशन भी बोलते हैं हम लोग इसको। ये नए मून को, यानी कि जो अमावस्या का दिन होता है उस दिन होता है ये। ध्यान रहे, फुल मून को पूर्णिमा बोलते हैं, अमावस्या को न्यू मून। न्यू मून का मतलब होता है कि पूरा ब्लैक होता है एकदम, और अगले दिन से उसका स्टार्ट होना होता है। तो एक एक्लिप्स के टाइम जो मून की शेडो होती है ना, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, डार्क को हम लोग अम्ब्रा बोलते हैं और लाइट शेडो को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनम्ब्रा। ध्यान रहे, ये बहुत टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ये आपके एग्जाम में उसमें प्रीलिम्स के अंदर जरूर पूछे जा सकते हैं। अम्ब्रा क्या होता है, पेनम्ब्रा क्या होता है। तो वो अर्थ सर्फेस के ऊपर मूवमेंट करती है। तो फिर ये जो सोलर एक्लिप्स होता है, ये हर महीने क्यों नहीं होता? देखो, ये जो मून अर्थ और मून का जो पाथ है ना, अगर ये सर्कुलर होता ना, तो हम लोगों को इक्लिप्स जो है वो हर महीने दिखाई देता। जो लूनर ऑर्बिट है, यानी कि जो मून का जो ऑर्बिट है ना, वो एलिप्टिकल है। ठीक है, एलिप्टिकल का मतलब होता है इस तरीके से कुछ है। ठीक है, तो वो उसमें कारण क्या होता है कि और उससे टिल्टेडनेस है ना, वो भी रिस्पेक्ट टू अर्थ ऑर्बिट ही, अर्थ के ऑर्बिट के अकॉर्डिंग ही वो टिल्टेड है। इसलिए हम लोगों को अप टू 5 एक्लिप्स दिखाई दे सकते हैं एक साल के अंदर। एक साल में 5 ज़्यादा नहीं सकते, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को हिंदी में मैंने बहुत जगह सुना है ज्योमिति बोलते हैं, पर मुझे श्योर नहीं है कुछ। कोई लोग अगर हिंदी का तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्या ज्योमेट्री को हिंदी में ज्योमिति ही बोलते हैं क्या? तो जो डिपेंड करता है कि सन, मून और अर्थ की ज्योमेट्री क्या है, तो जिसके कारण सन टोटली ब्लॉक हो जाता है या फिर पार्शियली ब्लॉक हो जाता है। सोलर इक्लिप्स के 3 तरह के टाइप होते हैं, ध्यान रहे, टोटल होता है, एनुलर होता है और पार्शियल होता है। हम लोगों ने रिसेंटली जो विटनेस किया था वो एनुलर किया था। तो एनुलर, ये पहली बात तो टोटल वाले को देख लेते हैं। टोटल तब होता है जब मून जो होता है ना कम्प्लीटली ब्लॉक कर लेता है सोलर डिस्क को। टोटल सोलर इक्लिप्स के अंदर जो नैरोएस्ट पार्ट होता है ना, पार्ट जहाँ पर सन जो होता है कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है, और मून अपनी जो डार्केस्ट शेडो होती है अम्ब्रा, उसको बोलते हैं जोन ऑफ टोटलिटी। ध्यान रहे, टोटल सोलर इक्लिप्स के अंदर हम लोग अम्ब्रा का यूज़ करते हैं। एक फिनोमिना होता है, उसको बोलते हैं बेलीज बीड्स। ये ऑफन अपीयर होता है जब सनलाइट जो होती है ना वो लूनर सरफेस की वैलीज से शाइन करती है, तो इसको बेलीज बीड्स बोलते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एनुलर सोलर एक्लिप्स की हम लोग बात करते हैं, तो मून जो होता है थोड़ा सा अवे होता है अपने ऑर्बिट से यूजुअली, और वो थोड़ा सा स्मॉल अपीयर करता है, इसलिए वो पूरे के पूरे सन के डिस्क को कवर नहीं कर पाता, और उसके अराउंड जो है एक रिंग दिखाई देता है हमको। तो कुछ लोग इसको रिंग ऑफ फायर नाम दे देते हैं, कुछ लोग इसको रिंग ऑफ सन बोल देते हैं। ऐसे इवेंट के दौरान एक बहुत ब्राइट सनलाइट होती है, वो शाइन करती है अराउंड मून के, इसी को हम लोग एनुलर एक्लिप्स बोलते हैं। पार्शियल के अंदर जो क्या होता है ना, अर्थ की जो मूवमेंट होती है ना वो लूनर पेनुम्ब्रा से होती है। यहाँ पर जो मून होता है ना वो कम्प्लीटली सन को ब्लॉक नहीं करता, अपनी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए एक पार्शियल एक्लिप्स फॉर्म करता है। तो आपको थोड़ा सा स्मॉल सा सिल्वर सा रिंग भी दिखाई देता है सन के ब्लॉटेड साइड के अंदर, इसलिए ये टोटली एस्केप नहीं होता, लेकिन ये इक्वल टू टोटल एक्लिप्स होता है। सोलर वर्सेज लूनर एक्लिप्स के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखो, सोलर के अंदर तो क्या, अभी हम लोगों ने सोलर देखा था तो अर्थ और सन के बीच में मून आ गया था, लेकिन यही मून अगर इस तरफ को पीछे की तरफ आ जाए, अर्थ बीच में आ जाए, तो सन की जो शेडो होती है वो मून के ऊपर फॉल कर रही होती है, वो होता है हमारा लूनर एक्लिप्स। टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स देख लिया, अम्ब्रा पेनम्ब्रा देख लिया, मून का ऑर्बिट देख लिया, वाई इज देयर अ सोलर एक्लिप्स एवरी मंथ इजेंट देयर देख लिया। सोल्स्टिस की हम लोग बात कर लेते हैं। सोल्स्टिस के साथ आप लोगों को इक्विनॉक्स जानने की जरूरत है। देखो, इक्विनॉक्स वर्ड जो है ना वो इक्वल से निकल के आया है, यानी अर्थ के ऊपर ऐसा दो बार होता है कि जब डे और नाइट जो होते हैं उनकी लेंथ जो होती है बिल्कुल इक्वल होती है। वो कब होते हैं? पहली चीज़ तो स्प्रिंग के अंदर और दूसरी चीज़ ऑटम के अंदर। ठीक है, स्प्रिंग का टाइम आप लोगों को पता है मार्च के आसपास होता है, तो 20 मार्च याद रखें आप, और ऑटम का टाइम होता है 22 सितंबर। तो ये दोनों डेट्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, पूछी जा चुकी हैं पहले भी। सोल्स्टिस के अंदर क्या होता है? सोल्स्टिस के अंदर क्या होता है कि या तो दिन बड़ा हो जाएगा या फिर दिन छोटा हो जाएगा। तो विंटर के अंदर क्या होता है? दिन छोटा हो जाता है, जो कि होता है 22 दिसंबर को। और समर के अंदर क्या होता है कि दिन जो होता है वो बड़ा हो जाता है 21 जून को, इसलिए हम लोग इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है अर्थ के ऊपर। तो समर सोल्स्टिस पता चल गया आपको, विंटर सोल्स्टिस पता चल गया। एक बार इनके डिफरेंसेस हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इक्विनॉक्स के अंदर टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द सन इज नियरेस्ट टू द इक्वेटोरियल प्लेन गिविंग इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। सोल्स्टिस के अंदर होता है वो टाइम जो सन जो होता है फारदेस्ट होता है
ठीक है, रिजल्टिंग इन लॉन्ग नाइट्स एंड डेज। इक्विनॉक्स जो हो रहा होता है वो स्प्रिंग के स्टार्टिंग में होता है और जब स्प्रिंग जो होती है फॉल आता है ना, जब हमारा ऑटम आता है उस टाइम पे होता है। सोलस्टिस जो होता है समर और विंटर में होता है। दोनों ही चीज़ें इक्विनॉक्स और सोलस्टिस दोनों साल में दो दो बार होते हैं। डेट आपको पता है मार्च 20 होती है, सितंबर 22 और 21 जून और दिसंबर 22। GS1 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू अर्थक्वेक्स हैपन इन मिजोरम। आपको पता होगा रिसेंटली मिजोरम के अंदर 5.1 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आए थे और ये 21 जून को ही आए थे जब हमारा सोलर एक्लिप्स था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मिजोरम और त्रिपुरा जो वो इतने वल्नरेबल क्यों हैं। और एज़ पर द सीस्मिक हज़ार्ड मैप ऑफ इंडिया, अब सीस्मिक हज़ार्ड मैप ऑफ इंडिया को रिलीज़ कौन करता है, ये करता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो स्टेट्स हैं मिजोरम त्रिपुरा ये पूरे के पूरे हैं जो जोन 5 में लाई करते हैं। अब जोन्स में आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दिखा देता हूँ, ये जो आपको इंडेक्सिंग दे रखी है ना इसमें कुछ रिवाइज जोन्स हैं, तो ये जो कलरिंग दे रखी है इनके जोन्स के अंदर आप एक एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर लो, यानी कि जो ब्लू में है ना इसको जोन 1 दिया हुआ है, इसको पहले जोन 2 बोलते थे। येलो में जो है इसको जोन 2 नाम दे रखा है, इसको पहले जोन 3 बोलते थे। यानी कि पहले जो हमारे जोन हुआ करते थे ना उसमें जोन 2, 3, 4, 5 होते थे और अब जो हमारे जोन्स हैं वो जोन 1, 2, 3, 4 हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो जोन 5 है ना मिजोरम त्रिपुरा जो है उस एरिया में पड़ते हैं, यानी कि कंटेम्प्रेरी पहले वाला जोन है। आज की डेट में बात करते तो जोन 4 में है ये। मिजोरम जो है ना वो सदर्न पार्ट में पड़ता है पूर्वांचल हिमालयन के अंदर। आपको हिमालयन रेंज का पता होगा, आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी, बिल्कुल आइडिया होगा। ये कुछ मैं थोड़ा सा और बताऊंगा अभी आगे। फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, सिंक्लिनोरियम होता है। सिंक्लिन क्या होते हैं, एंटीक्लिन क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ एक बार के लिए। तो अर्थक्वेक्स यहाँ पर क्यों आए हैं, बेसिकली एक बहुत शैलो एरिया है यहाँ पर। ठीक है, एक तो पहली बात सिंक्लिनोरियम एरिया है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात जो डॉकी फॉल्ट है ना वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे इंडिया और बांग्लादेश के, ठीक है, मेघालय पास करता है वहाँ से इसलिए। और माधोपुर जो फॉल्ट है वो बांग्लादेश के अंदर भी। फॉल्ट क्या होते हैं, फोल्ड क्या होते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें, अर्थक्वेक क्या होते हैं, अर्थक्वेक जोन क्या होते हैं, ये सारे के सारे मैं आपको अलग अलग स्लाइड्स में दिखाऊंगा। पहले हम लोग एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बारे में जान लेते हैं। देखो फोल्ड ऑफ रॉक जो होता है ना जब वो नीचे की तरफ आ जाता है ना ऐसे, उसको बोलते हैं सिंक्लाइन, और जब वो ऊपर की तरफ हो जाता है उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। ठीक है, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन, ध्यान रहे सिंक मतलब ग्रेविटी के साथ सिंक कर रहा है, ग्रेविटी के साथ नीचे की तरफ मूवमेंट है। एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, तो ग्रेविटी के ऑपोजिट मूव कर रहा है इसलिए एंटीक्लाइन। अब ये ऐसा टर्म इसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट है ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मैंने अपनी ब्रेन से इसको याद रखने के लिए बनाया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं पता ज्योग्राफी में अगर ये ऐसा ही होता होगा तो, लेकिन हाँ मेरे को अभी जैसे ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो एंटी, अब एंटीवायरस तो वायरस के अगेंस्ट होता है ना, तो उसके लिए। और सिंक वर्ड SYN का मतलब होता है साथ में, टुगेदर, तो सिंक क्लाइन का मतलब भी ग्रेविटी के साथ जा रहा है। मुझे अभी पढ़ाते जस्ट अभी ये निमोनिक समझ में आया तो मैंने आपको समझा दिया। इन क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा गहराई में जानेंगे। रिलीज़ कौन करता है सिस्मिक हज़ार्ड मैप ऑफ इंडिया, मैंने आपको बता दी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स रिलीज़ करता है। ठीक है, अर्थक्वेक की वेव्स क्या होती हैं, प्रोपगेशन क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन हम लोगों ने कर लिया। फोल्ड माउंटेन के रीज़न फॉर इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल मैं भी आपको दिखाता हूं। और फोल्ड माउंटेन्स क्या यहाँ पर रिसेंटली बात कर रहा है ना, यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो एक मेजर थ्रेट है हमको वो माधोपुर फॉल्ट है जो कि बांग्लादेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो डॉकी फॉल्ट है वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर है इंडिया बांग्लादेश के, जहाँ से मेघालय पास करता है। यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा खतरा है अर्थक्वेक का फ्यूचर के अंदर। तो अर्थक्वेक क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम आपको एक बार बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थक्वेक के बारे में जान लेते हैं। जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं वो सारे के सारे लिथोस्फेयर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, सीस्मिक वेव्स होती हैं, सीस्मिक मतलब जो वाइब्रेशन वाली जो वेव्स होती हैं उनको स्टडी करके पता लगाया जाता है कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। एक अर्थक्वेक की बात करें तो जो अर्थ क्रस्ट होता है ना सिंपली जब वो शेक कर लगता है, मोस्टली आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया ही होगा। अगर आप लोग अभी इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट में हो या फिर आप गुजरात वाले एरिया में हो या फिर आप इवन नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली वाले जोन में हो तो आप लोगों ने हल्का बहुत अर्थक्वेक जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। जनरली क्या होता है ना, एक एनर्जी रिलीज होती है अर्थ के अंदर से जिसके कारण बहुत सारा ट्रिगरिंग होती है और अर्थ जो है वो शेक, अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो शेक करने लगता है। एक फोल्ड जो होता है शार्प ब्रेक होता है क्रिस्टल रॉक्स में, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, रॉक्स अलोंग दी फोल्ड जनरली मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये तो आपको बताना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक जरूर ध्यान लेते हैं क्योंकि इन्होंने पूछा भी है और ये कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी। एक होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ये जो होते हैं बहुत मोस्ट कॉमन टाइप के अर्थक्वेक्स होते हैं। जनरली जो लूज फ्रेगमेंटेड पीस होते हैं ना, जो टुकड़े वगैरह होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के अर्थ क्रस्ट के अंदर, उनको उनकी जो मूवमेंट होती है ना हल्की सी, उसी के कारण ही आते हैं। आपको पता होना चाहिए जो इंडियन जो प्लेट है ना पूरी की पूरी गोंडवाना प्लेट, ये एशियन प्लेट के अंदर की तरफ हर बार खिसक थोड़ी थोड़ी खिसकती जा रही है। कितने खिसक रही है आपको पता होना चाहिए, 44 मिलीमीटर पर ईयर इंडिया जो है एशिया की तरफ हर साल खिसकता है, मतलब इतना कम खिसकता है। अब ऑब्वियसली बात है इसमें कुछ एटॉमिक डिवाइस यूज़ करते होंगे इनको मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए।
वोल्केनिक अर्थक्वेक जब आते हैं, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके कारण बहुत सारा मैग्मा जो होता है वोल्केनो से बाहर आता है, जिसके कारण सरफेस के ऊपर वाइब्रेशन भी होती है। इवन ओशन के अंदर जब वोल्केनिक आता है, अर्थक्वेक आता है, तो सुनामी भी आती है। कोलैप्स अर्थक्वेक, ये जो अर्थक्वेक होते हैं अंडरग्राउंड माइंस वगैरह के अंदर होते हैं। आपको पता होगा कि झारखंड वगैरह के इलाके के अंदर, ये छत्तीसगढ़ के इलाके में बहुत सारे इंडिया में माइनिंग्स होती हैं, तो अगर वो एरिया वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जो उसके ऊपर ना बहुत सारा प्रेशर जनरेट होता है रॉक्स वगैरह की वजह से, अगर वो कोलैप्स हो जाता है तो उससे भी भूकंप आता है। फिर होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स होते हैं जनरली आर्टिफिशियल होते हैं, कोई टेस्टिंग वगैरह की जाती है एक्सप्लोजन की, कोई बॉम्ब वगैरह की टेस्टिंग करते हैं, न्यूक्लियर अटैक्स वगैरह की ओशन में करते हैं या फिर लैंड के ऊपर करते हैं, तो उसके कारण जो वाइब्रेशन जनरेट होती है उससे भी थोड़ा बहुत अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉजेज देख लेते हैं हम लोग अर्थक्वेक, ये हमको पता होने चाहिए। इट इज़ कॉज ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक आप समझ गए थे ना, फ्रेगमेंटेड पीस होते हैं अर्थ के, अर्थ की जो पूरे लेयर्स होते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के फॉर्म में होते हैं, तो उनकी मूवमेंट होती है तो फिर अर्थक्वेक होता है। जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो सारी की सारी डायरेक्शंस में जाती है अपने आप, ठीक है। और जिस पॉइंट के ऊपर एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वो उसको बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं, ध्यान रहे बिल्कुल। जिस पॉइंट के ऊपर एनर्जी रिलीज हुई थी, जनरली इसकी जो डेप्थ होती है वो 60 किलोमीटर नीचे होती है। अब देखो 60 किलोमीटर नीचे वहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर भी, अगर 1 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्चुअल में, 1 सेंटीमीटर वाइब्रेशन भी होती है ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है। जब हमारी एशियन प्लेट पूरी की पूरी मूव कर रही होती है 45 मिलीमीटर पूरे साल के अंदर, तब भी देखो नॉर्थन ये नदन हिमालयन रीजन के अंदर हर बार कुछ ना कुछ छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते होते हैं। ट्विटर के ऊपर एक पेज है अर्थक्वेक कुछ करके, आप उसको चेक करोगे ना तो पूरा टाइम अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्थक्वेक आ रहा होता है। तो जब ये मूवमेंट होती है इसके कारण बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है सारी की सारी डायरेक्शन में, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, देखो जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस हाइपोसेंटर, ठीक है। और जो पॉइंट अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है ना, यानी कि एक तो 60 किलोमीटर नीचे होता है हमारा फोकस, अर्थ के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। और ये वो पहली जगह होती है अर्थ के ऊपर जो उसके ऊपर वेव्स का एक्सपीरियंस किया जाता है। अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो दो टाइप की वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। हम लोग जान लेते हैं पी वेव्स क्या होती हैं। पी वेव्स को हम लोग प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं। ये पहली वेव्स होती हैं जो सरफेस के ऊपर आती हैं, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पी वेव्स की, वो साउंड वेव की जैसी होती हैं, यानी कि वो तीनों साउंड वेव किसमें से ट्रैवल कर सकती है, साउंड वेव तीनों मीडियम में से ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। उसी तरीके से पी वेव जो होती हैं वो तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। ये जो वेव्स होती हैं इनकी टेंडेंसी होती है कि वाइब्रेट करती है पैरेलल डायरेक्शन में, यानी कि जो वेव का प्रोपगेशन होता है ना उसी के पैरेलल डायरेक्शन के अंदर ये मूव करती हैं। और इनके अंदर इलोंगेटिंग और स्क्वीजिंग, मटेरियल को स्क्वीज करने की एबिलिटीज़ होती हैं। एस वेव की जब हम बात करते हैं तो ये सेकेंड टाइम उसके बाद आती हैं, अर्थक्वेक के होने के बाद आती हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी वेव्स बोलती हैं। इनकी एक जो खासियत होती है कि अगर इस तरीके से आपकी वेव मूवमेंट होती है तो इसके पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर आती हैं। परपेंडिकुलर तो आप समझते होंगे ना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर आती हैं। फिर ये अगर ये मूवमेंट वेव की है तो ये सेकेंड वेव जो होती हैं इस तरीके से आती हैं। डायरेक्शन की बात हो गई है, मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर ये दिखा लेता हूँ मेजरमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं था उन्होंने लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड चेक करना हो आपको, ध्यान रहे मैग्नीट्यूड की कितनी इंटेंसिटी के साथ आया था, कितनी इंटेंसिटी के साथ नहीं, मेजर क्या था मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई थी क्वेक की वो एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर होती, वो जनरली 0 से 10 की जाती है, और उसके लिए जो स्केल होता है उसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल। इंटेंसिटी को बोल निकाला जाता है मर्कली स्केल से, ठीक है। अर्थ क्वेक की इंटेंसिटी क्या थी, कितना विजिबल डैमेज हो पाया उसके कारण, और इसकी रेंज होती है 1 से 12। ध्यान रहे रिक्टर स्केल के ऊपर उसकी जो उसके मैग्नीट्यूड की जो रेंजिंग होती है वो होती है 0 से 10, और जो इंटेंसिटी होती है वो होती है मर्कली स्केल के ऊपर 0 से 10, 1 से 12। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मैं भी बोलते बोलते कन्फ्यूज हो जाता हूँ, बट स्टिल आप लोग इसको प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि बार अर्थक्वेक जोन्स के बारे में आपको बताता हूँ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि एशियन प्लेट के अंदर इंडिया जो है, अच्छा 44 मैंने बताया था ना, सॉरी आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज़ 47 मिलीमीटर पर ईयर, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ज्योग्राफिकल स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया के अंदर 54% जो लैंड है ना वो वल्नरेबल है, यानी कि एक्सपोज्ड टू थ्रेट है। प्लस में बहुत अच्छा डेटा इन्होंने, ये एक्चुअली 2-3 लाइन का डेटा बड़ा अच्छा लगा था मुझे, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने और यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया है 200 मिलियन सिटी ड्वेलर्स जो इंडिया के अंदर हैं दे विल बी एक्सपोज्ड टू स्टॉर्म्स एंड अर्थक्वेक्स बाय 2050, यानी कि 2050 तक 200 मिलियन शहरों में रहने वाले लोगों को कोई ना किसी तरह का तूफान या फिर किसी ना किसी तरह का भूकंप को वो लोग एक बार झेल चुके होंगे, फेस कर चुके होंगे, या फिर उसके अंदर उनका जान जा चुकी होगी। तो ये रिपोर्ट का डेटा है और उसको आप कोट भी कर सकते हो, इट्स अ वेरी हेल्पफुल डेटा। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर फोल्ड माउंटेंस की एंड फोल्ट माउंटेंस की।
तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे फोल्ड माउंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो फोल्ड माउंटेन्स जनरली जो होते हैं सेडिमेंटरी रॉक के बने होते हैं, ठीक है। जियो सिंक्लिन्स मैंने आपको बता दिए थे, एंटी सिंक्लिन और सिंक्लिन, और कंप्रेसिव फोर्स के कारण होते हैं, ठीक है। प्लस फोल्ड की बात जब जियोलॉजी में करते हैं तो एक अर्थ का जो क्रस्ट होता है ना फोल्ड जाता है। आप देख रहे हो इस तरीके से मूवमेंट, फोल्ड मूवमेंट आ रहा है। तो हिमालयाज हमारे कौन से मूवमेंट, हम जो हमारे हिमालयाज हैं कौन से माउंटेंस हैं, फोल्ड माउंटेंस हैं हमारे हिमालयाज। क्यों, क्या हुआ था, अर्थ का जो गोंडवाना लैंड था वो यूरेशियन प्लेट के अंदर जाके जब टकराया था ना तो मूवमेंट फोल्ड मूवमेंट हुई थी। फोल्ड मूवमेंट के कारण जो हमारा वहाँ पर टेथीस सी था वो ऊपर की तरफ उठ गया था, इसलिए हमारे हिमालय के ऊपर जो लेक्स वगैरह हैं, इवन जो वहाँ पर माउंटेन्स है उसमें माउंटेन की जो वो है ना सॉइल उसमें सब में रॉक है, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत बार सॉल्टी सैंपल्स भी मिलेंगे क्योंकि टेथीस सी के बहुत सारे सैंपल्स रिसर्चर्स ने वहाँ पर ढूंढे थे। टाइप्स ऑफ फोल्ड के बारे में जरा बात कर लेते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल फोल्ड जिसमें एक एक्सियल प्लेन जो होता है वो वर्टिकल होता है। अब एक्सियल प्लेन क्या होता है ये एक बार थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, लिम्ब्स क्या होते हैं, साइड वाला जो पोर्शन होता है ना उसको लिम्ब। अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर लिम्ब्स क्या होते हैं, आपके हाथ और पैर जो होते हैं उसको लिम्ब बोलते हैं। हिंज लिम्ब जनरली आप लोगों को जो दरवाजा होता है ना, दरवाजा या फिर आपकी जो रिस्ट होती है इसमें जो जॉइंट बोलते हैं इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये वाला जॉइंट होता है, आपका कोई दरवाजा होता है उसको जो जॉइंट होता है उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। तो ये हिंज लाइन होती है, ये अपर नीचे मूवमेंट के लिए होती है। ये होता है इसके परपेंडिकुलर जो होता है ये एक्सल होता है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है हिंज लाइन को फोल्डिंग सरफेस के साथ। तो अब आपको पता चल गया एक्सल प्लेन क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोल्ड की, तो सिमेट्रिकल फोल्ड के अंदर जो होता है एक्सिकल प्लेन जो होता है वो वर्टिकल में आ रहा होता है। एसिमेट्रिकल के अंदर जो एक्सियल प्लेन होता है वो इंक्लाइंड होता है। आइसोक्लिनिकल के अंदर जो एसेंशियल जो लिम्ब्स होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, और पैरेलल होते हैं एक्सियल प्लेन के। ओवरटर्न फोल्ड के अंदर जो हाईली इंक्लाइंड एक्सियल प्लेन होता है, ठीक है, टू दैट द स्ट्रेटा ऑन द लिम्ब आर ओवरटर्न, वो ओवरटर्न की तरफ तरीके से होता है। रिकम्बाइंड फोल्ड की जो टाइप होती है हमारी वो एसेंशियली हॉरिजॉन्टल होती है एक्सियल प्लेन के अंदर। अब ये बातें आपको शायद इतनी समझ में नहीं आ रही होंगी, पॉसिबली हमारा ये वाला टॉपिक करंट अफेयर्स का तो इतना ज़्यादा स्टैटिक्स में जंप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ज्योग्राफी में से ज़रूर डीप में पढ़िएगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिखा सकता हूँ। एक बार मैं आपको फोल्ड और दिखा देता हूँ। जब हम लोगों ने फोल्ड माउंटेन की बात कर ही ली है, तो जब हम लोग फोल्ड की बात कर रहे थे ना तो जनरली आप लोगों को इस तरह की मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन जब हम फोल्ड FAULT की बात करते हैं तो वहाँ पर बात आती है कि जो क्रस्ट होता है ना वो बेंड हो जाता है जिसके कारण उसमें क्रैक आ जाता है, ठीक है, तब फॉल्टिंग टेक प्लेस करती है। कि ध्यान रहे, हम लोगों ने अभी रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के बारे में भी बात की थी ना कुछ फॉल्ट्स के बारे में। फोल्ड जो होता है ना प्लेनर फ्रैक्चर होता है, क्रैक कह सकते हो वॉल्यूम के अर्थ क्रस्ट के अंदर, जिसकी बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट होती है। फॉल्टेड एजेस जो होते हैं ना बहुत स्टीप होते हैं, ध्यान रहे बहुत ही स्टीप एजेस होते हैं। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वॉस्किस है, ब्लैक फॉरेस्ट है रेनलैंड के अंदर। फोल्ड जो होते हैं जनरली टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स जब काम करती हैं क्रस्ट के ऊपर तब होते हैं। टाइप ऑफ फोल्ड की अगर मैं एक बार आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो सडनली ये नॉर्मल फोल्ड था ना, इसमें क्रैक हुआ, ये डाउनवर्ड चला गया। स्ट्राइक फोल्ड के अंदर ये साइड में आ गया। रिवर्स फोल्ड के अंदर ये नीचे वाला ये एक जो हिस्सा था ये नीचे की तरफ चला गया, एक जो हिस्सा था ये ऊपर की तरफ आ गया। ऑब्लिक के अंदर ये वाला एक लेफ्ट साइड को आ गया, एक साइड राइट साइड कुछ आगे चला गया। तो मूवमेंट होती है लेकिन ये क्रैक के थ्रू मूवमेंट होती है ये, ठीक है। फोल्ड में आप समझ गए, फोल्ड में क्रैक नहीं होता, फोल्ड में क्या होता है बेंडिंग हो जाती है। आई होप ये वाले दो तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इस पेपर वन टॉपिक्स कवर्ड इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना WMO फाइंडिंग्स ऑन लाइटनिंग स्ट्राइक्स। देखो इस टॉपिक में ना यहाँ पर WMO के बारे में एक्चुअली इन्होंने कुछ दिया नहीं है, लेकिन WMO बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं आप लोगों को उसके बारे में एडिशनली एक अलग स्लाइड पर बताऊँगा ज़रूर। एक्चुअली यहाँ प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी नहीं पूछा हुआ है लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि अभी रिसेंटली भी हमारे साइक्लोन्स वगैरह भी आए थे तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कहीं भी कुछ क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से हाई हो जाते हैं। पहले ये जानो कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स में और लाइटनिंग में क्या डिफरेंस हो रहा होता है। लाइटनिंग जब आसमान में ही जो बिजली कड़क रही होती है ना उसको सिर्फ बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है, थंडर लाइटनिंग, थंडर मतलब वो गरजना। लेकिन जब वो ज़मीन पर आके टकराती भी है ना तब उसको बोलते हैं लाइटनिंग का स्ट्राइक होना, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ हाईलाइट्स दिए, हालांकि हमको सारे के सारे हाईलाइट्स ना याद रखने के लायक इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं बताता चलूंगा, उनको नोट करते चलना, क्योंकि अलग अलग कंट्री का ना अलग अलग पैटर्न के साथ डेटा दे रखा है, इतना डेटा आप याद नहीं कर सकते और इतना भी हाई चांसेस नहीं है इस टॉपिक के बनने के। जैसे उन्होंने कहा कि ब्राज़ील के अंदर जो लाइटनिंग स्ट्राइक थी ना अभी तक की जो रिकॉर्ड की गई है वो 709 किलोमीटर्स की थी 2018 के अंदर। इसको याद रखने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
प्रीवियस रिकॉर्ड था जो था इससे पहले लाइटनिंग का, वो जून 20 2007 का था, 321 किलोमीटर का, वो था यूएस के स्टेट ओक्लाहोमा के अंदर। तो ये तो बिल्कुल भी याद रखना नहीं क्योंकि बहुत पहले का है, पर ये जान लो कि यूएस के अंदर ना टोटल 50 स्टेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं ना, उनके वहाँ पर 50 स्टेट्स होते होंगे, और उनके पार्लियामेंट के अंदर कितने लोग बैठते हैं, टोटल मिला के 100, हर एक से दो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। सेकंड, यूएस का जो फ्लैग है ना, यूएस के फ्लैग के अंदर ना स्टार्स हैं कुछ, उन स्टार्स का टोटल काउंट 50 है, और हर एक स्टार जो है वो उनके एक एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अर्जेंटीना ने एक रिकॉर्ड स्ट्राइक लिया था जो कि लास्ट किया था 16.70 सेकंड तक 2019 के अंदर। हाँ, ये एक लेटेस्ट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन करके रख लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रीवियस जो रिकॉर्ड था एक सिंगल लाइटनिंग फ्लैश का जो कॉन्टीन्यूसली हुआ था 7.74 सेकंड तक का, वो 30 अगस्त 2012 में था ओवर प्रोविंस एल्प्स कोते दे अजूर फ्रांस के अंदर। अब ये थोड़ा फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये वाला पॉइंट भी नोट करने लायक नहीं है क्योंकि हम लोग ने 2019 के बारे में ऑलरेडी एक लेटेस्ट पॉइंट याद रख लिया है। मेगा फ्लैशेस के बारे में बताना चाह रहा है कि वो लाइटनिंग फ्लैशेस जो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं ना रिकॉर्ड बुक्स के अंदर, उनको मेगा फ्लैशेस बोलते हैं। अब रिकॉर्ड आप किस चीज़ को करोगे जो बहुत ही हाई वैल्यू के होते हैं। तो इस पूरे हाइलाइट्स सेक्शन के अंदर आपको एक फोर्थ पॉइंट था जो नोट डाउन करके रखना है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स इंडिया। हाँ, इसमें ज़्यादा हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे नोट डाउन करने के लिए। यूपी में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं, ये आप लिख लो अपने नोट्स के अंदर, अभी लिख लो। मतलब लिखने में क्या तरीका होता है, ऊपर लिखो लाइटनिंग स्ट्राइक्स टॉपिक, ठीक है, उसमें लिखो अर्जेंटीना, उसके बाद हाइफन लगाओ, जैसे ऊपर वाला टॉपिक था ना, शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाया करो। देखो ऊपर लिखा टॉप टाइटल डाल दो एक पेज के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक्स करके, मैं जैसे इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ लाइटनिंग स्ट्राइक्स, पहला पॉइंट लिखो। इसमें फोर्थ पॉइंट क्या था, अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड किया था स्ट्राइक लास्टेड फॉर इतना, तो लिखो अर्जेंटीना लिखा हाइफन उसमें रिकॉर्ड, ठीक है, हाइफन 16.73 सेकेंड हाइफन 2019। बस चार शब्दों से आपका नोट रेडी हो गया है। उसी के नीचे सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे, सेकेंड पॉइंट जब आपका लिखोगे नोट्स में, उससे लिखोगे आप इंडिया, तो इंडिया का शॉर्टकट IND, उसमें लिखोगे 1 ब्रैकेट में, फिर यूपी लिख दोगे, फिर हाइफन लगा के लिखोगे ब्रैकेट में 2, उसमें लिख दोगे बिहार। तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट रैंकिंग आपने यूपी को दी है, सेकंड रैंकिंग आपने बिहार को दी है। फिर टाइम पीरियड लिख दो, थर्ड हाइफन लगा के लिखो 2019, फिर हाइफन लगा के लिखो April to July, बस 4 महीने का। आपको भी याद रहेगा कि अच्छा 4 महीने के बाद की थी, 4 महीने में यूपी में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुए थे और बिहार के अंदर, सॉरी बिहार का था ये। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट ना, इसको अलग कर लेना, ये जो टाइम पीरियड वाला पॉइंट है ना, इसको अलग लिख लेना, मतलब ये दोनों ज़रूरी हैं आपके, मैं कहता हूँ, क्योंकि 2019 का डेटा है ना बिल्कुल रिसेंट। तो नंबर ऑफ लाइटनिंग डेज जो है ना इंडिया के अंदर, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं सिग्निफिकेंटली हर मंथ। अब ये लिखने का पॉइंट नहीं है, इसको बस समझ के रखने की याद है कि मौसम के अंदर बदलाव ज़्यादा आ रहे हैं, तो लाइटनिंग के जो डेज हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं इंडिया में। लाइटनिंग से इंडिया में ज़्यादा लोग मरते हैं रादर देन किसी भी दूसरे एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कारण, साइक्लोन हो गया, ठीक है, या फिर बादल फटने वाली चीज़ होती है, या फिर फ्लड आ जाना होता है, ऐसे किसी इंसिडेंट्स के अंदर इतनी डेथ नहीं होती जितनी डेथ इंडिया के अंदर साइक्लोन वो लाइटनिंग से हो जाती है। अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट में कुछ भी नोट डाउन करने का नहीं, सिर्फ याद रखने की चीज़ें, कभी रिविजन करोगे तो सडनली क्लिक कर जाएंगे याद में, पर ये लिखने के पॉइंट ज़रूर है जब आप आंसर लिखोगे ना वहाँ पर। तो हम ये जान लेते हैं कि लाइटनिंग होता क्या है। बहुत ही रैपिड मतलब बहुत तेज, मैसिव मतलब ह्यूज बड़ा, और डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज हो रहा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो अर्थ के सरफेस की तरह भी आ जाता है। देखो जब अर्थ के सरफेस की तरफ आ जाता है तब उसको हम लाइटनिंग स्ट्राइक बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्चार्ज होते हैं ना, इसके कारण एक बहुत ही जाइंट मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड्स जनरेट किए जाते हैं, ये जनरेट होते हैं 10 से 12 किलोमीटर टॉल के। अब क्यूमुलो निम्बस नाम के टाइप का जो वो होता है ना क्लाउड, क्यूमुलो निम्बस वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, निम्बस वर्ड का मतलब ही होता है क्लाउड। आप लोगों ने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी ना, उसमें उसकी जो झाड़ू होती है कि उससे आपको निम्बस वर्ड याद आएगा, ठीक है। तो निम्बस वर्ड जहाँ पे आ रहा है मतलब वहाँ पे क्लाउड की बात की जा रही है। तो ये वो जो क्लाउड होते हैं जिनके अंदर जो 10 से 12 किलोमीटर के टॉल होते हैं, उनके अंदर एक बहुत ही हैवी अमाउंट के अंदर आपको लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिलते हैं। तो ये कहना चाह रहा है, अब ये डायग्राम की बात है, क्या ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो? बिल्कुल डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हो आप इस डायग्राम को, क्योंकि बहुत सिंपल डायग्राम है। अगर आपको लाइटनिंग का टॉपिक आ गया देन डेफिनेटली आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ जहाँ ये प्लस के बॉक्सेस बन रहे हैं ना, ये प्लस माइनस के, वहाँ पर सिंपल प्लस और माइनस लिख देना, क्योंकि ये चार्जेस हैं, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी होगी उनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इतना टफ नहीं है। तो अर्थ सर्फेस के ऊपर लाइटनिंग होती कैसे है? ये जो पूरा क्लाउड आपको दिख रहा है ना, वो क्लाउड के बॉटम के अंदर
ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, ये जो माइनस माइनस वाले ये बॉटम की तरफ हैं, और क्लाउड के ऊपर की तरफ या बीच की तरफ के अंदर बेसिकली ऊपर की तरफ जो होता है ना रीजन, उसमें पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो हम नीचे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अभी, ठीक है, पर यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा समझ के चलो। नीचे अर्थ का सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गए हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं चार्जेस, और पॉजिटिव और चार्जेस नेगेटिव चार्जेस जब आपस में मिलते हैं ना तो लाइटनिंग होती है, तब वो फ्लैश आपको दिखाई देता है, ठीक है, समझ गए। जनरली आपको एक्सपेरिमेंट करना हो, मैं तो कहूँगा मत करना, लेकिन आपके हर किसी घर में वो प्लग होता है ना नेगेटिव पॉजिटिव वाला स्विच लगाने का, कोई भी चीज़ आप लगाते हो, फ़ोन का चार्जर लगाते हो, तो उसमें एक सिंगल तार लेना, लेफ्ट वाले का जोड़ निकाल करके राइट वाले में डाल देना और स्विच को ऑन कर देना, मस्त एक पटाखा बजेगा, आपको दिखाई दे जाएगा लाइटनिंग क्या होती है, क्योंकि उसमें नेगेटिव को आपने पॉजिटिव से मिला दिया। लाइटनिंग में भी आसमान में जो बिजली चमक रही होती है उसमें भी यही होता है, ऊपर से जो नेगेटिव होता है नीचे वाले पॉजिटिव के बीच में मिल जाता है, यहाँ पर लाइटनिंग होती है, दिखाई देती है। अब इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि हो क्या रहा है हमारे पास एक्चुअल में। ये जो क्लाउड्स का जो बेस होता है ना वो टिपिकली अर्थ के सरफेस ही, मान लो अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ से कुछ एक या दो किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, यहाँ पे हमारा क्लाउड होता है, और ऊपर की रीजन की बात करें तो क्लाउड की पूरी जो वो टॉलनेस होती है, हाइट होती है, वो 10 से 12 किलोमीटर की होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो टॉप के क्लाउड के जो टॉप रीजन होता है ना वहाँ पर नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है -35 से -45 तक, क्योंकि जितना हम अर्थ के सरफेस से बियॉन्ड जाते हैं उतनी हमारी हीट का प्रेशर कम होता है, ट्रैप कम होता है, और हीट हमारी जो होती है ईजिली रेडिएट होनी स्टार्ट हो जाती है ऊपर की तरफ, ऊपर बेसिकली ट्रैप नहीं होती ना, तो नेगेटिव के अंदर ही रहता है टेम्परेचर 10-12 किलोमीटर के बाद। अब जो वाटर वेपर होता है, ध्यान देना, वो क्लाउड के अंदर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, ये आपका क्लाउड हो गया, इसमें जो वाटर वेपर होगा ना वो इसके अंदर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जिस क्योंकि और जो टेम्परेचर को होता है ना लो टेम्परेचर के कारण वही वाटर वेपर अब कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। वाटर वेपर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो होते हैं, वही तो पानी तो होता है, पानी का वाटर वेपर, जब पानी को आप इवेपोरेट करते हैं तो क्या बनता है, वो जो भाप बोलते हो जिसको, स्टीम को, वो वाटर वेपर ही तो होते हैं, वो ऊपर जाएंगे ठंडे टेम्परेचर के अंदर जब वो जाते हैं तो वो बर्फ बन जाते हैं, ध्यान देना, क्योंकि उसके अंदर से हीट जनरेट होती है। कंडेंसेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज करना, ठीक है, और इवेपोरेशन जो होता है वो हमारा एंडोथर्मिक वो होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, कि आपको लिखना है, बिल्कुल लिखना है, ये प्रीलिम्स में बहुत आसानी से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कन्फ्यूजिंग है ये। इवेपोरेशन एंडोथर्मिक होता है, यानी कि हीट उसके अंदर रिक्वायर्ड होती है, अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर चाहिए होती है। एक्सोथर्मिक कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में हीट जो है अंदर से बाहर जाती है, तभी वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है, और इस हीट जब जनरेट होती है उसके कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल वो और ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो बेसिकली एक सर्कुलर मोशन सेटअप हो गया है। तो जितना वो ऊपर की तरफ जाते हैं ना टेम्परेचर बिलो में, मतलब बिलो जीरो के पास जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो आइस क्रिस्टल्स में बन जाते हैं, और वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उनके अंदर थोड़ा वजन भी बढ़ने लग जाता है, ठीक है, और जब उनमें वजन बढ़ जाता है तो ग्रेविटी के कारण फिर वो अर्थ की तरफ नीचे फॉल करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो ऊपर छोटे 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 ऐसे बन गए क्रिस्टल्स, ठीक है, अब वो अर्थ से नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नीचे से भी तो कुछ लाइट क्रिस्टल्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना। अब ये दोनों जो नीचे से लाइट जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से हैवी लाइट क्रिस्टल, हैवी आइस क्रिस्टल्स जो क्रिस्टल जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, दोनों के बीच में कोलिजन होता है। जब ये कोलिजन होता है ना ये आइस क्रिस्टल्स का ऊपर आसमान बादल के अंदर, उसके कारण यहाँ पर बहुत हैवी अमाउंट के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। स्मॉलर आइस क्रिस्टल्स के कारण और इस सब के कारण एक स्पार्क होता है इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का, और जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनका कोलिजन होता है और एक चेन ऑफ रिएक्शन बन जाता है, यानी कि नीचे से वो मॉलिक्यूल जाए जा रहे हैं ऊपर, ऊपर से नीचे आए जा रहे हैं, कोलिजन हो जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रही है। ये इसके कारण क्या होता है, इस प्रोसेस के कारण जो टॉप लेयर होता है क्लाउड का वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो क्लाउड का जो मिडल लेयर होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब इतनी बड़ी अंदर उसके अंदर लाइटनिंग हो रही है तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, वो 1 बिलियन से लेकर 10 बिलियन वोल्ट तक का पोटेंशियल होता है। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कभी पढ़ा है जीवन में उनको थोड़ा आसानी से समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, पर बस सुनते चलो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इस पूरे से टाइम के अंदर एक बहुत मैसिव अमाउंट के अंदर एक करंट जनरेट होता है जिसकी वैल्यू कितनी तक, कितने एम्पियर तक हो सकती है, 1 लाख से 2 मिलियन इकाई, मतलब 1 लाख से लेकर 10 लाख मिलियन एम्पियर तक इस करंट की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। करंट को मेजर करने की यूनिट को एम्पियर बोलते हैं, जैसे डिस्टेंस की को मीटर बोलते हैं ना, करंट की को एम्पियर बोलते हैं। ये फ्लो, ये अब उन लेयर्स के बीच में ना फ्लो करना स्टार्ट कर देता है करंट, समझ रहे हो ना, उसी चीज़ को हम बोलते हैं लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है आपको। जब इतनी तेज़ लाइटनिंग हो रही होती है ना उसके कारण वहाँ पर जो एयर होती है ना वो पूरी की पूरी गर्म होनी स्टार्ट जाती है,
समझ रहे हो ना, जिसके कारण एक कॉलम बनता है रेडिश अपीयरेंस, आसमान जो है थोड़ा लाल लाल सा दिखने लग जाता है। अब ये जो लाल लाल सा होने लगता है वो हीट होगी ना, हीट के कारण वो एक्सपेंड करता है। अब उस एक्सपेंशन के कारण शॉक वेव्स निकलते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे अमाउंट में नहीं होता, किलोमीटर तक हो रहा होता है बहुत बड़ा। उस शॉक वेव्स के कारण थंडर गरजने की आवाज़ आती है हमारी, ठीक है। अब ये करंट अर्थ के ऊपर कैसे पहुंचता है? देखो, अर्थ अपने आप में तो एक बहुत गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, और ओवरऑल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है, ठीक है। यानी कि अर्थ के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन अर्थ के सरफेस के पास क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जो मिडल लेयर और क्लाउड का जो मिडल लेयर होता है वहाँ पर कैसे होते हैं? वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो उसके कारण जो 15-20% जो करंट होता है ना, वो क्या होता है? अर्थ की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि क्लाउड के बीच में पॉजिटिवली है, क्लाउड के बॉटम में नेगेटिवली है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर पॉजिटिवली है। तो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है, उसके कारण जो होता है ऊपर से जो करंट फ्लो करता है ना वो नीचे की तरफ आता है, जिसके कारण अर्थ के ऊपर लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। अब जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है ना, तो जब अर्थ से बिल्कुल वो 80 और 100 मीटर के आसपास पहुंचता है, अब वो हाई स्पीड की बात कर, लाइट की स्पीड आपको पता ही होगी ना। अब जिन लोगों को लाइट की स्पीड नहीं पता वो तो यार देखो क्या वक्त करते, क्योंकि तो फिफ्थ सिक्स सेवन से लेके हर बार सुनते ही आ रहे हैं हम लोग, टेंथ ट्वेल्थ तक तो सुनते रहते हैं। चलो, ये सवाल है आपका, लाइट की स्पीड बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कितनी होती है। तो इतनी हाई स्पीड के ऊपर जब लाइट अर्थ से बिल्कुल 80 से 100 मीटर के आसपास पहुंचती है ना, मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारी लाइटनिंग आ रही है, मान लो ये गैप है ये 80 से 100 मीटर के आसपास का रह गया, इतना गैप, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइटनिंग क्या करती है? एयर, देखो एयर अपने आप के अंदर ना एक कंडक्टर होती है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग कंडक्टर नहीं होती है। अगर स्ट्रॉन्ग कंडक्टर होती है ना तो डायरेक्ट उसको नीचे लेके आती है, लेकिन एक पुअर कंडक्टर होती है, तो उसके कारण क्या करती है? अभी लाइटनिंग ना टॉल ऑब्जेक्ट्स को देखना स्टार्ट करती है, मान लो कोई प्लांट हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई है, ठीक है। तो ये लाइटनिंग जब 180 से मीटर के आसपास होती है, तब जो भी टॉल ऑब्जेक्ट इसको दिखाई देती है ना, ये उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है, ये तो पेड़ के ऊपर गिर जाएगी, या फिर कोई ऊंचा स्थान होगा वहाँ पर गिर जाएगी, या फिर किसी बिल्डिंग के ऊपर गिर जाती है, समझ गए। इसको बोलते हैं लाइटनिंग का स्ट्राइक होना, इसके कारण बहुत सारा डैमेज हो जाता है। प्रीलिम्स क्वेश्चन की बात करें तो लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होता है, मेगा फ्लैशेस क्या होते हैं, क्या अर्थ एक गुड कंडक्टर होता है? यस, अर्थ बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स इंडिया के अंदर मैंने आप लोगों को सारे स्टैटिस्टिक्स बता दिए थे, जो जो नोट करना तो भी करवा देता। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स मुझे आपको बताना है, और WMO ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताना है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1950 में ये क्रिएट किया गया था एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये UN की, यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है 1951 से ही, जो मीटियोरोलॉजी यानी कि वेदर और क्लाइमेट के बारे में सारे के सारे अपडेट्स हमको देती रहती है, ठीक है। WMO UN के सिस्टम की अथॉरिटेटिव वॉइस है, ठीक है। UN को वेदर, क्लाइमेट और वाटर के बारे में अगर कुछ बोलना होता है तो वो WMO के थ्रू बात करता है, जैसे हेल्थ के ऊपर होता है तो WHO के थ्रू। इनका सेक्रेटेरिएट ऑफिस वही जेनेवा स्विट्जरलैंड। कभी सवाल आता है ना आपके पास प्रीलिम्स के अंदर हेडक्वार्टर्स का, और आप बहुत ही डाउट में रह गए कि यार नहीं पता चल रहा मुझे तो मैं क्या करूँ, मैंने पढ़ा ही नहीं मान लो डिपार्टमेंट का इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो दो ऑप्शन होते हैं, उनको हमेशा प्रेफरेंस में रखना। पहली बात जेनेवा, मोस्टली हेडक्वार्टर्स आपको जेनेवा मिलेंगे, मतलब तीन के नाम याद रख लो मैं कहता हूँ, जेनेवा एक, वियना और एक न्यूयॉर्क, और फोर्थ ऑप्शन पेरिस मान के चल लो। ये चार में सबसे प्रायोरिटी सेट कर लो, सबसे पहले जिनेवा को टिक करना, दूसरा वियना को, तीसरा न्यूयॉर्क और चौथा पेरिस को, इन चारों में से कोई अगर आपको नहीं ही आता है तो ये तुक्के वाला क्वेश्चन होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पक्का करेक्ट ही आप करके आओगे, बट तुक्का मार सकते हो अगर लगता हो सकता है। तो अपने मेंबर्स के थ्रू जो WMO है वो फोरकास्ट करता है, फोरकास्ट मतलब एक भविष्यवाणी करना, वार्निंग्स देना नेशंस को कि किस तरह का वेदर होने वाला है, जिसके कारण सभी हर टाइप के डिजास्टर्स को, स्पेशली क्लाइमेट वेदर के डिजास्टर्स को प्रिवेंट किया जा सके, और मिटिगेट मतलब किसी भी चीज़ की गंभीरता को कम करना। WMO का काम है मॉनिटर करना और फोरकास्ट करना द ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल एंड ऑयल स्पिल्स, फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक हैश, हेज एंड न्यूक्लियर आइसोटॉप्स। ट्रस्ट मी, ये पॉइंट आपको प्रीलिम्स के अंदर पक्का बन सकता है कि WMO के फंक्शंस कहाँ कहाँ होते हैं। केमिकल ऑयल स्पिल्स के अंदर भी WMO रिस्पॉन्सिबल है, फॉरेस्ट फायर के लिए भी WMO है, वोल्केनिक ऐश के लिए भी WMO है, हेज एंड न्यूक्लियर आइसोटॉप इनके लिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत गोल्डन पॉइंट है ये। इट ऑल्सो ड्रॉज वर्ल्ड अटेंशन टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देखो, ओजोन लेयर के बारे में तो बात होती रहती है ना, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? WMO उसके लिए वर्ल्ड को अटेंशन प्रोवाइड करता है उसके बारे में।
क्लाइमेट सेंटर है जो IMO का, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का पुणे में, उनको उसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया था रीजनल क्लाइमेट सेंटर बाय WMO, विच विल प्रोवाइड द रीजनल क्लाइमेट सर्विसेज टू साउथ एशियन कंट्रीज। चलो यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हम लोग हमेशा सुनते हैं एशिया साउथ एशिया, तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंडिया और WMO की जब हम बात करते हैं तो इंडिया को नोडल सेंटर, नोडल का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल सेंटर बना दिया गया है फ्लैश फ्लड के फोरकास्ट के लिए, ठीक है, WMO के द्वारा। WMO ने फ्लैश फ्लड के फोरकास्ट के लिए इंडिया को नोडल एजेंसी बना दिया गया है, ठीक है। कहाँ के लिए, कहाँ पर वार्निंग देगा, वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के अंदर। ये जो सिस्टम है इसको बोला जाता है फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम, जिसका सिंपल सा काम है छः घंटे एडवांस में फ्लैश फ्लड के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। अब ऑब्वियसली बात है 6 घंटे तो बहुत कम होते हैं, बट स्टिल 6 घंटे कुछ तो पता चल रहा है, कुछ तो जान बता ही सकते हो 6 घंटे के अंदर। 6 घंटे के अंदर इंसान कम से कम कुछ 300-400 किलोमीटर ट्रैवल तो करवा ही सकता है, अगर गाड़ी ट्रक कुछ होगा तो, अपनी खुद की गाड़ी हो तो। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान गए, इंडिया और WMO के बारे में कुछ अच्छे अच्छे इसमें कीवर्ड्स मैंने आपको बता दी, रिसेंटली जो इंडिया के साथ क्या चल रहा है। अब ये वाला सेक्शन ना मेंस के आंसर राइटिंग में बड़ा हेल्पफुल होता है, इंडिया के साथ रिसेंटली क्या चल रहा है, तो इसे आप नोट डाउन करके ज़रूर रख लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन था प्रिलिम्स का टाइप्स ऑफ क्लाउड, उसकी लिस्ट के ऊपर, तो मैं आपको इसमें इस वाले टॉपिक में ज़्यादा गहराई में नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशंस आ सकती हैं और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, पर इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको जरूर एक्सप्लेन करूँगा प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 टाइप के क्लाउड्स आप मान के चलो, ठीक है, लो लेवल पे, मिड लेवल पे, हाई लेवल पे। अब आप लो, मिड और हाई के लिए कीवर्ड्स याद कर लो। हाई के लिए होगा सिरस, सिरो, मिडल के लिए होगा अल्टो, ठीक है, और लो के लिए होगा स्ट्रेटस, ठीक है, ध्यान रहे। हाई के लिए क्या था, सिरस, मिडिल के लिए क्या था, अल्टो, और लो के लिए क्या था, स्ट्रेटो, स्ट्रेटस। अब इसके हिसाब से 3 कैटेगरीज बनती हैं हाइट के अकॉर्डिंग, सिरोक्लूमस और ये एस्ट्रोस्टेटस और स्ट्रेटोक्लूमस, स्ट्रेटस करके बेसिकली जो भी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग कौन सा क्लाउड कहाँ पे मिलता है। अब जब मैं बात कर रहा था आप लोगों को लाइटनिंग के लिए, तो ये आपको दिख रहा है बड़ा सा क्लाउड क्यूमुलोनिम्बस, मैंने आपको नाम भी बताया था, तो इसकी आप देख रहे हो हाइट लो से लेकर हाई तक भी पड़ता है ये वाला क्लाउड जो होता है हमारा, ठीक है, इसके अंदर ये इसकी जो हाइट होती है 10 से 12 किलोमीटर तक की होती है, क्यूमुलोनिम्बस, यही होता है हमारा लाइटनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। GS पेपर 1, टॉपिक्स कवर्ड अंडर ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, ज़ीलैंडिया। रिसर्चर्स GNS साइंस के न्यूजीलैंड में, उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने ज़ीलैंडिया का शेप और साइज जो है वो मैप कर लिया है इन अनप्रेसिडेंटेड डिटेल। अनप्रेसिडेंटेड वर्ड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो 2017 के अंदर साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया था कि एक 8th कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है ज़ीलैंडिया और ये न्यूजीलैंड के नीचे है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा दूँ यहाँ पर, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये जो वाइट पार्ट आपको दिख रहा है ना न्यूजीलैंड का, एक्चुअली ये अभी एग्जिस्टिंग लैंड है, इसके नीचे जो ब्राउन पार्ट है ना ये नीचे है सरफेस में, सबमर्ज्ड है ओशियन के अंदर, ठीक है, इसी के बारे में, इसी को ज़ीलैंडिया का नाम दिया गया है। 94% जो ज़ीलैंडिया का है, जिसका एरिया 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स के आसपास है, वो अंडर वाटर है और उसकी मैपिंग करना बहुत चैलेंजिंग है। ये पास्ट में था, अभी रिसेंटली इसकी मैपिंग हो चुकी है। ज़ीलैंडिया का जो एरिया है ना वो 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स का है, दैट इज़ 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट हाफ साइज का है। सिर्फ 6% इस कॉन्टिनेंट का जो एरिया है वो अबव सी लेवल पे है, उसको ही हम न्यूजीलैंड बोलते हैं। दैट पार्ट अंडरपिंस न्यूजीलैंड्स का जो नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स हैं और जो आइलैंड ऑफ न्यू कैलेडोनिया, ये वो 6% में आता है। लेटेस्ट मैप जो है वो डिपेक्ट करता है उसकी कोस्ट लाइन, उसके टेरिटोरियल लिमिट्स क्या हैं और जो मेजर अंडर सी फीचर्स हैं वो सारे के सारे। ये जो प्लान इनिशिएटिव है ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया था कि पूरे के पूरे ओशन को हम लोग 2017 से लेकर 2013 तक मैपिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अभी 3 साल के अंदर इन्होंने 19% अप्रॉक्स मान के चलो कि 20% ओशन की मैपिंग कर ली हैगी, ठीक है, तो कितना मान के चलते हैं 1/5 हो चुका है हमारा, 4/6 अभी पेंडिंग है, 2030 तक ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने ज़ीलैंडिया का मैपिंग कर लिया है। इस मैप ने रिवील किया है कि जो ज़ीलैंडिया है वो कुछ वेरियस टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, विच आर बींग पुश्ड अंडर द अदर पार्ट्स इन ए प्रोसेस, जिसको हम सबडक्शन बोलते हैं, ठीक है, एंड हाउ क्विकली दैट मूवमेंट इज़ हैपनिंग। तो जितने भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट वगैरह ये सब इस मैप के अंदर हम लोगों ने बहुत इजीली स्टडी कर ली है। अब ज़ीलैंडिया इवॉल्व कैसे हुआ था, देखो गोंडवाना आपको पता ही है, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था वो, तब बना था, फिर जो पेंजिया था ना अर्थ का जो एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिना, वो स्प्लिट हुआ था जब 2 फ्रेगमेंट के अंदर, तब हमारा गोंडवाना बना था।
तो एक था लोरेशिया, एक था गोंडवाना। लोरेशिया बन गया फिर हमारा यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। गोंडवाना जो था वो थोड़ा सा साउथ में डिस्पर्स हो गया, और आज के दिन जो अफ्रीका है, एंटार्क्टिका है, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि जो अपर रीजन था वो लोरेशिया बन गया, नीचे वाला था वो गोंडवाना बन गया। तो इंडिया किससे निकल के आया? इंडिया निकल के आया है गोंडवाना से ही, क्योंकि हम लोग अफ्रीका से निकल के आए थे ना उसके बाद में। फर्दर इसके बाद जो जियोलॉजिकल फोर्सेस थी उन्होंने वो कंटिन्यू हुई, रीअरेंजमेंट चलता रहा, और ज़ीलैंडिया जो था वो अंडर वेव्स चला गया। ठीक है, 30 मिलियन से 50 मिलियन ईयर्स के बाद जब ये टूट गया था गोंडवाना से, जो कि लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट थी पैसिफिक प्लेट की, स्लोली स्लोली ये उसके अंदर सबडक्ट होता चला गया। हमको यहाँ पर प्रीलिम्स से कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। पेंजिया, गोंडवाना, लोरेशिया के बारे में बता दिया है, पेंजिया से निकल के आए हैं दोनों के दोनों ये, ज़ीलैंडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है। रीजन सराउंडिंग, तो सराउंडिंग रीजन में हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, तस्मान सी हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, इधर को जाते तो पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन ही आ जाता है हमारा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम बताओ। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द अर्थस क्रस्ट, ये मैं आपको दूसरी स्लाइड में दिखा देता हूँ। प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये बनी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, और जो थ्योरी ऑफ सी फ्लोर बेडिंग है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, वहाँ से फॉर्म हुई थी। प्लेट जो हॉरिजॉन्टली हैं मूव करती हैं एस्टेनोस्फेयर के ऊपर रिजिड यूनिट्स की तरह, और लिथोस्फेयर के अंदर क्रस्ट होता है, टॉप मेंटल होता है। इसकी थिकनेस जो रेंज करती रहती है 5 से 100 किलोमीटर तक ओशनिक पार्ट्स के अंदर। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ये माइनर प्लेट्स से मेजर प्लेट्स तक वेरी करती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स से ओशनिक प्लेट्स तक। जो हम लोगों को मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पूछा था उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। एंटार्क्टिका, उसके सराउंडिंग का जो पूरा ओशनिक प्लेट है, एंटार्क्टिका मैप में आपको याद है ना, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट एक है ये पूरा, अफ्रीका और ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर का एक है, यूरेशिया और उसके एडजेसेंट जो भी एरिया ओशन का। माइनर के ऊपर एक नज़र मार लेते हैं, पूछा नहीं था लेकिन एक बार नज़र ज़रूर मार लेते हैं। कोकोस प्लेट हो गया सेंट्रल अमेरिका, पैसिफिक प्लेट, नेज़गा प्लेट हो गया जो कि साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, अरेबियन प्लेट मोस्टली साउथ अरेबियन लैंडमार्क पर है, फिलिपिन प्लेट है एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के ऊपर, कैरोलिन प्लेट है ये फिलिपिन और इंडियन प्लेन के, फूजी प्लेट है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, टर्किश प्लेट है, एजियन प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम लोग एक बार जान लेते हैं अर्थ क्रस्ट के बारे में। अर्थ का जो क्रस्ट है ये एक थिन शेल है, कवरिंग है, ठीक है, अर्थ के आउटसाइड में, और अर्थ की पूरी वॉल्यूम का सिर्फ 1% है उसके ऊपर। साइज़ के बारे में जब बात कर रहे थे, ये टॉप कंपोनेंट है हमारे लिथोस्फेयर का, और डिवीजन है अर्थ के लेयर्स की, इसमें क्रस्ट होता है और मेंटल का अपर पार्ट आता है। लिथोस्फेयर जो है ना अपने आप में टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर ब्रोकन है, आपको ये मैप में दिखाई दे रहा है, ये सारी की सारी ये लिथोस्फेयर की ये टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह हैं, ये ब्रोकन है पूरी की पूरी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉम्पोजिशन भी बता देता हूँ। तो पहले अर्थ के क्रस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओशन जो है 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक का है, इसमें मेजरली जो हमारे माफिया रॉक्स हो गए, बसाल्ट, माफिक रॉक्स, डायबेज हो गया, गैब्रो हो गया। कॉन्टिनेंट की बात करें 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का होता है, थिक है, और मोस्टली उसके अंदर फेल्सिक रॉक्स हैं जैसे ग्रेनाइट वगैरह हो गया। कंपोजिशन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर अबंडेंट में 46.6% है। सिलिकॉन 27, आपको टॉप 4 पता होना चाहिए इसमें। एल्यूमिनियम 8.1% और फेरस, Fe होता है आयरन, आयरन को बोलते हैं, ये है हमारा 5.5% के आसपास।